जी मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैतून एफएम लाइव शो के एक और एपिसोड के अंदर आप सबको खुश आमदीद। आज का मौजू हमारा हमारी सेकंड लास्ट स्ट्रीम से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमने एक खत दिखाया था जो कि एक एक सीक्रेट एक कॉन्फिडेंशियल लेटर था मिर्जा मसरूर साहब का लिखा हुआ, और उसके ऊपर हमने बात की थी और इनके निज़ाम खिलाफत की हकीकत आपको बताई थी कि हाल ये है कि ये लिख रहे हैं कि ओहदेदार मेरी बात नहीं मानते। आपने देखा उस शो के अंदर कुछ अहमदी दोस्त भी आए और उन्होंने आके ये कह दिया कि जी ये झूठ है, बताएं कहाँ है, कौन है, नाम बताएं, ये बताएं, वो बताएं, ये तो सब झूठ है जी। तो आज जरा दिल थाम के बैठिएगा, आज के शो में एक और लेटर खुलने वाला है जिसके अंदर फिर नाम भी होगा, पता भी होगा, मोहल्ला भी होगा, एड्रेस भी होगा और बहुत सारी बातें खुलेंगी इंशाल्लाह। तो कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, शो को एंड तक लाजमी देखिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा इसको करें, और लिंक जो है कॉल का वो जनाब अभी थोड़ी देर में नीचे भी मिल जाता है चैट में भी, और जो बाकी मेंबर्स हैं हमारे टीम का हिस्सा हैं, जो लोग जो रेगुलर सुनने वाले हैं उनको भी ये कहूंगा कि खास तौर पे इसको शेयर करें और ये लिंक पहुंचा दें, ये इनके मुरब्बियों को, जिसको भी जो जिनको शौक होता है कॉल पे आने का, उनको लिंक लाजमी पहुंचा दें, क्योंकि आज नाम पता एड्रेस सब कुछ बताएंगे। प्लस एक और चीज भी साथ के शेख साहब की एक पोस्ट है, मैं अभी आता हूं उसके ऊपर, उस हवाले से भी बात करनी है, और एक और एक्सक्लूसिव चीज है आपको वो भी दिखानी है। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मोहतरम एके शेख साहब, आमिर हक साहब, बशीर अहमद शाह साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो वालेकुम फारूक? अस्सलाम। सामान अल्लाह का करम जी, ठीक ठाक। चले जी दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। अच्छा जी शेख साहब, सबसे पहले यहीं से मैं शुरू कर लेता हूं। आपने ये लिखा है कुछ 1 घंटे पहले, मैं अहमदीयत की हकीकत को दुनिया के किनारों तक नंगा करूंगा। शेख साहब, ये मिर्जा साहब पे तो इल्हाम हुआ था कि मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा, आप फरमा रहे हैं कि मैं इनकी हकीकत को नंगा करूंगा। शेख साहब, कोई आप पे भी तो कोई इल्हाम शिलहाम तो नहीं होने शुरू हो गए? कहने को तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे झूठ की आदत नहीं है। इसलिए मौसूफ कादियानी साहब ने वो खुद ही बनाया था और उसको कह दिया था, तो मैंने बकायदा अपना नाम नीचे लिखा है। मुझे झूठ की आदत खैर, सिलसिला ये है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, अब जैतून चैनल की के तवस्सुस से हमारी जो आवाज़ है, हमारा जो पैगाम है, जो असलियत है इस कल्ट की, वो दुनिया के किनारों तक जा रही है। और उसमें ये जो हकीकतें हैं, ये जो हम बयान करते हैं, ये उन लोगों तक जो अहमदी हैं और जो मुसलमान हैं, दोनों तक जा रही हैं। और अहमदी जो हैं वो इस चीज़ के बारे में सोचने पर मजबूर हैं, और उनकी जो फीडबैक है, उनके जो इंक्वायरीज हैं, और वो हमारे तक पहुंच रही हैं। अब मैं अर्ज करूं इसी जिमन में कि ये बात कहाँ तक जा रही है, क्या हो रहा है। आप अंदाज़ा करें कि आपका जो कल का प्रोग्राम था, उसने बहुत से जहनों को झंझोड़ा है, बहुत से जहनों को झंझोड़ा है। और उनमें वो लोग भी सामने आ गए और उनमें ये जुर्रत और हिम्मत पैदा हो गई कि वो बात कर सके। जो वाक्या हमने खत वाले के अंदर जो उसका मतन था, उसमें जो जिसे हम मसरूर की कमजोरी समझ रहे थे कि ये चीज है, उसने बहुत सी चीजें खोल के रख दी हैं कि ये कल्ट जो है, ये कल्ट ये हकीकत क्या है, ये शक्ले मोमना करतूते काफरां, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। ये आपको इस चीज से एक और जो एक स्टेटमेंट, जो इसमें असल मुजरिम है, जो असल मुजरिम है इसके अंदर, उसका बयान है इसके अंदर। और इनके नजदीक अल्लाह रसूल की कसम खाना, कुरान उठा लेना,
इनके नजदीक ये जो बहिश्ती मकबरे जिनके अंदर नेक पाक लोग दफन होंगे, उनके अंदर जानियों शराबियों का दफन होना, ये सारी चीजें आपके सामने खुल के आ जाएंगी कि ये है क्या और हो क्या रहा। मैं शुरू इस चीज से करता हूं कि कल एक दो जो मतलब असल में मैं समझ नहीं आती मैं उन पे, क्योंकि मैं कोई गाली देने का मतलब मेरा मिजाज नहीं है और सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने का भी नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जो बगैर सोचे समझे बात कर देते हैं। तो ठीक है, आपको मोहब्बत है, आपके तसव्वुर में भी नहीं आ सकते। किसी को कोई इंसान अगर कहे जी कि मैंने तुम्हारे अब्बा को ये बुरा काम करते हुए देखा है, तो वो शख्स मतलब इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो उसका रिएक्ट क्या करे, उसका रद्द अमल कौन सा दिखाए। तो उसके जमन में वो किसी को मार भी सकता है, वो किसी को गाली भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। यही कैफियत मैं समझता हूं कि ये जो लोग हैं, ये जो बगैर पढ़े लिखे बगैर सोचे समझे इस कल्ट के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने अबाव अजदाद से वरासतन मौरूसी तौर पे इस फिक्र को और नजरिए को लेके चल रहे हैं, उन बेचारों को नहीं पता। और अफसोस की बात है, जो दुनियावी लिहाज से जो कहते हैं हम बड़े पढ़े लिखे हैं, भी हैं अकेडमिक तौर पे ये वो, उन्होंने होंगे बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर दुनियावी लिहाज से एकेडमिक तौर पे हम देखें बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब इस तरफ मजहब की तरफ आते हैं तो यकीन करें जीरो है। यहाँ पे आके उनकी अकल जो है, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि मत मारी जाती है, उनकी अकल जो है ना वो जवाब दे जाती है। सिलसिला ये कि कल आके उन्होंने बड़ी बातें की कि जी ये खत ये जाली है, जी फलां है, अपनी तरफ से बड़े समझदार जी, हमें इसका जी रेफरेंस इशूइंग ये वो। तो अब मैं क्या कहूं कि जिन्होंने बेचारों ने इस दफ्तर के लोग, मसरूर के मिर्जा मसरूर के दफ्तर के जो लोग हैं बेचारे तनख्वाहदार, उन्होंने किस वजह से, उनको क्या शिकायत थी, उनके उनके साथ क्या जुल्म हो चुके हैं जो उन्होंने इस चीज को महसूस किया और ये खत लीक हुआ। और कल जब उन्होंने ये प्रोग्राम के अंदर ये बातें सुनी तो फिर उन्होंने मजीद एक मतलब बड़ा साफ उसकी करके स्कैन करके तो उन्होंने दोबारा भेजा, और उसमें उन्होंने कहा जी हम नाम भी जो है अब वो भी ब्लर नहीं करते, तारीख आप पढ़ सकते हैं, नाम पढ़ सकते हैं। मैं फारूक अगर आप कहें अपने प्रोड्यूसर साहब को, जरा जो मिर्जा मसरूर साहब वाला खत है वही मतलब जो कल हमने दिखाया था जो आज है ताज़ा, वो जरा दिखा दें। मैं अब ये इसको जरा जूम करके दिखा दें ताकि ये सारा कुछ जान सकें, ये लोग देख सकें कि शेख साहब, ये इससे ज्यादा जूम नहीं होगा लेकिन क्लियर नजर आ रहा है, ये एचडी रिजल्ट में है, इसमें ये तारीख जी कल के और आज वगैरह सब के नजर आ रहा है। खत में आपको साफ फर्क महसूस हो जाएगा कि भाई ये जरा गैर डार्क नहीं है, क्लियर, ये बहुत ज्यादा क्लियर है, और नीचे एड्रेस वगैरह भी ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच। अब इसकी मैं आपको हकीकत बताता हूं कि है क्या। एक शख्स है, गरीब आदमी है, उसकी बीवी के साथ एक सदर मोहल्ला नाजायज ताल्लुकात कायम कर लेता है। ये शख्स इस अस्तगफुरुल्लाह, चीज की शिकायत लेके तो अपने मजहब की, अपने इस कल्ट की, अपनी इस रूहानी जमात की अदालत में जाता है। वो अदालत जो है फैसला इस शख्स के खिलाफ कर देती है कि तुम इल्जाम लगा रहे हो सदर महल्ला पर, और अगर आप
जो मसरूर मियां ने खत लिखा उसमें अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि अगर माँ का करेक्टर खराब हो तो बच्चे जो हैं वो फिर बाप को मिलते हैं। अब मसला ये आया कि चूंकि तुम जो केस हार गए, तुमने जो इल्जाम लगाया था कि माँ का किरदार ऐसा है तो इसलिए बच्चे तुम्हें नहीं दिए गए और वो खर्च जो है वो। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस शख्स ने जब ये चीज जो है मुकदमा दायर किया था तो जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया उसका दफा क्या है। अब आ जाइए उस सदर मोहल्ला का भी सारा कुछ, बिल्कुल जो उसने अपना स्टेटमेंट वहां पे दिया, आइए मैं आपको वो दिखाता हूं कि वो क्या है। ये देखिए, ये मैं मुसम्मी वसीम गुज्जर मोहल्ला, ठहरे आपके इधर से मेरे लिए पढ़ना थोड़ा जरा मुश्किल है, एक मिनट मैं अपने पास से जो मेरे पास है मैं उसे ले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मुसम्मी वसीम गुज्जर मोहल्ला सदर होशो हवास में रहते हुए मस्जिद में खड़े होकर कुरान पर भी हाथ रखकर अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर भरी मस्जिद में कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा ताहर की बीवी सैयदा तल्लत के साथ कोई नाजायज ताल्लुक नहीं, मैं इसके बाप की जगह हूँ और वो मेरी बेटी की तरह है, आपका शक मुझ पर नाजायज और गलत है। वसलाम खाकसार वसीम अहमद मोहल्ला नसीराबाद सदर मोहल्ला नसीराबाद। जी थैंक यू। अब इस शख्स ने मस्जिद में खड़े होकर और ये सारा कुछ अपना स्टेटमेंट दे दिया कि जनाब मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक इस लड़की के साथ नहीं, इसकी बीवी के साथ नहीं, मैं कुरान पे हाथ रख के ये बात कर रहा हूं। अब हो क्या रहा है? अब दोबारा हम मसरूर मियां का वो खत देखेंगे तो वहां पे आपको बात समझ में आएगी कि इस चीज को देखते हुए, इस बंदे के कुरान उठाते हुए मस्जिद के अंदर ये कसम खाते हुए कि मैंने कुछ नहीं किया, इसको देखते हुए वो शख्स ये कह रहा है मसरूर कि ओहदेदार मेरी बात नहीं मान रहे। क्या मतलब? मसरूर इज मसरूर के पास जो शहादतें आईं, मसरूर के पास जिस तरह मसरूर ने केस को देखा पढ़ा सुना, ही वॉज कन्विंस्ड। अब उसकी कला उसे क्या कह रही है कि खलीफा साहब होश करें, ये सदर महल्ला है, जुमात के निजाम का मामला है, अगर हम फैसला दे दें तो आपकी तो खिलाफत की ऐसी की तैसी हो जाएगी, इन्नल्लाह आप क्यों हमारे मामलात में आ रहे? आप कह सकते हैं यहां पे, आप कह सकते हैं यहां पे कि नहीं मसरूर मियां की बात का कुछ और मतलब, शायद कुछ और फलां ये वो, दिस इज, आप जो भी कहना चाहें ठीक है कह सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग कानून को जानते हो, इंसाफ को जानते हो कि ये किस तरह काम करता है, ये होता क्या है, इसमें कौन सी चीजें होती हैं कि जहां तक कोई थर्ड पर्सन जा सकता है, हत्ता के अगर इस्लामिक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाए कि अमीर भी जो है वो भी कहां किस हद तक जा सकता है, किस हद तक जो मुनसिफ है, जो काजी है, जो जज है, उसके साथ कौन बात कर सकता है कौन नहीं कर सकता ड्यूरिंग ये मुकदमा जब चल रहा हो, उस पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता, तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहां हो क्या रहा है। इसके साथ मैं एक और दूसरी जो बात पहले से चल रही है मैं उसको भी मिलाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी कि ये जो चीजें हैं ये किस तरह, ये कल्ट डील किस तरह से करता है।
अब आपको हैरानगी की और बात बता दूं, ये 2018 का वाक्या है। अब वो ही औरत, वो ही बच्ची जिसको सदर मोहल्ला अपनी बेटी जैसी कह रहा और कह रहा मैं इसका बाप हूं, उसको एक साथ शादी करके उसमें घर पे रखा हुआ है। अस्तगफर अल्लाह अलाजीम। तो अपनी बेटी जिसको अल्फिया अस्तगफर, खात में कह रहा है उसके साथ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब अस्तगफर, अंदाजा करें। अब आप यहां पे वो भी एमडी है, मुझे पता है ये जो एमडी घर के अंदर बैठ के ना, अपने लिविंग रूम के अंदर बैठ के जो वीडियो बनाते हैं चेहरे पे दाढ़ियां रखे हुए और अपने आप को ये वो बातें करते हैं, जी हम बहुत जानते हैं, वो ये मतलब कह देंगे कि जी ये तो गलत बात है, ऐसे ही है इसका क्या। वो यहाँ पे आप आके मतलब डिमांड करेंगे कि जी अच्छा लड़की ला के सामने बैठा के उसको कहो कि हाँ वो करेंगे, मतलब इस तरह की हरकतें शुरू हो जाएंगी। सोचिए आप कहाँ रह रहे हैं। अगर एमडी ये बात कहें कि देखें जी बात सुने, दुनिया के अंदर जो कि यहां पे आके कहते हैं ये लोग, अगर आप ये आके कहेंगे अच्छा शेख साहब आप जो बातें कर रहे हैं, आपके कनाडा के अंदर अगर दाएं बाएं चले जाएं काले गोरों के घरों के, चाहे देसी बिलायती हो जो भी हो, तो वहां पे क्या होता है, बाप बेटी के सामने सारा कुछ हो रहा होता है, ये वो रहता है, इसमें कौन सी बात है। मेरा ख्याल है अगर आपको दो बातों का पता होगा तो मुझे पांच बातों का पता है। बिल्कुल होता है, ये सारा कुछ होता है। क्या आपके पास क्राइटेरिया ये लोग हैं? क्या आपने इन लोगों को फॉलो करना है? क्या आप अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, बीवियों को, बहनों को, माओं को ये तरबियत दे रहे हैं कि इनकी तरफ देखो हमने इनको फॉलो करना है, जो यहां पे आके मुझे ये कहेंगे जी इन इलाकों में भी होता है। जर्मनी से एक साहब का खत फोन आता है मुझे, वो कहते हैं जी आपने ये लेके हमारा एक आध अगर एमडी औरत ऐसी हो गई या फलाह हो गया तो लेके आप चले, आप देखें कितने हैं सुन्नियों में, कितने हैं बरेलवियों में, कितने हैं। वो सुन्नी बरेलवी तुमने घर में उनकी तस्वीरें लगा रखी हैं कि हमने इनको फॉलो करने, इनको सीधे करने हैं। घर के अंदर तुम्हारे तो पांच तस्वीरें लगी होती हैं, जिसके सबसे ऊपर मिर्जा साहब की तस्वीर है, नीचे उनके पांच जो आई एम सॉरी मुझे लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ता है, जो उनके बचूंगड़े हैं आपने उनको लगाया हुआ है, आपने तो फॉलो उनको करना है। तो क्या वो सारे इसी तरह थे या हैं? अब खलीफा साहब कितना चेहरा छुपाएंगे, कहां तक जाएंगे? मैंने आपको नाम भी दे दिए, मैंने आपको खत भी दे दिया, आपके पास जो स्टेटमेंट्स आई हुई हैं, जो बयान आए हुए हैं वो भी दे दिए मैंने आपको। मसरूर मियां अगर कहोगे ना, तो वो मजलूम बंदा जिसको तुम कह रहे हो कि सॉरी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरी ओहदेदार भी नहीं बांधते, वह बंदा भी पेश कर दूंगा। अल्लाह। सोचो कहां तक बात पहुंच चुकी हुई है। अब उनको अगर कोई मसीहा नजर आता है तो कौन नजर आता है? थोड़ी देर के लिए सोचो, गौर करो, देखो इस जैतून टीवी को, देखो जो तुमसे बात कर रहा है, अब उन्हें कौन मसीहा नजर आता है? किसके पास आ रहे हैं कि कोई हमारी सुनवाई हो जाए? हकायक ये होते हैं। तुमने तो हाथ झाड़ दिए कि जी उहदेदार मेरी बात नहीं मान रहे, कि अगर मैं किसी भी उहदेदार को, तुम्हारा अगर काजी ये है, तुम्हारी कजा ये है, तुम्हारे उहदेदार सदर महल्ला जो महल्ले का जिम्मेदार है उन रिहायशियों का, कि ये शख्स उनकी हर लिहाज से हिफाजत करेगा, और तुमने जो हशर किया था कि देखें जी मास्टर कद्दूस जो कि बकायदा एक कत्ल में इन्वॉल्व, और उस शख्स को उसकी फैमिली को लेके या पुलिस ने जो उसके साथ किया, और तुमने जितना वावेला मचाया वो क्या कुछ किया, और एक ये सदर मोहल्ला भी है जिसके आगे बेबस हो गए हो तुम और कह रहे हो कि मैं नहीं कुछ कर सकता। क्यों
क्योंकि तुम्हें अपने पैसों से गर्व है, तुम्हें किसी और चीज से कोई गर्व नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खानदानी बिजनेस है। अगर ये इस्लाम हो, अगर ये पता सूरत मायदा में आता है कि अगर तुम कुरान के मुताबिक फैसले नहीं करते, तुम काफिर हो, तुम फासिक हो, तुम फाजिर हो। कभी खोल के देखना। कहानियां बहुत सुनाते हैं वो आप, लेकिन कभी कुरान खोल के देखना और उसमें कितना कुछ तुम्हारे पे लाजिम है कि तुमने ये काम करना है। इस खत को लिखने की बजाय ये जो खत आपने मिर्जा ताहर, मिर्जा मसरूर, आपने ये जो खत ताहर अहमद को लिखा ना, खत लिखने की बजाय अगर आप अपना सर दीवार में दे मारते या अपनी खिलाफत को ठोकर मार देते या कहीं पानी में डूब मरते तो वो ज्यादा बेहतर था। आप जिस जगह पे बैठे हो उसकी डिमांड है, वो तकाजा करती है आपसे कि आप इंसाफ के चेहरे को गंदा ना होने दे, उसके चेहरे पे स्याही ना आने दे। आपने अपने तुर्रे को समझा के इसको मैं ऊपर रखूं, ये नीचे ना आ जाए, जो कि हकीकतन इस वक्त उस ताहर अहमद की ठोकरों के ऊपर है। और मुझे नहीं इलम के वो सदर महल्ला वो कितना बड़ा मतलब ऐसा जिससे आप भी डर गए, आपके काजी भी डर गए, या फिर ये सारा कुछ, अब इसकी दूसरी तरफ मैं चलता हूं कि या फिर ये सारा कुछ फ्रॉड हो रहा है। वो ताहर भी झूठा है, वो सदर महल्ला भी झूठा है, आप भी झूठे हो, काजी भी झूठे हैं, ये सब झूठ है। ये एक टोला है जिसमें कोई हरामी, कोई गुंडा, कोई चोर, कोई उचक्का, कोई जानी, कोई शराबी, आप लोग इकट्ठे हुए हुए हो और एक दूसरे दस्तगीर हो रहे हो कि लेट में से कि अच्छा मेरा हिस्सा इतना, मेरा ये है, मेरा वो, जो ताकतवर वो लेके जा रहा है। ये मीडिया का दौर है मसूमिया, ये मीडिया का दौर है। आज दुनिया जिस तरह से आपसे मुखातिब है, कहाँ भागोगे, कहाँ जाओगे, किसका मुंह बंद करोगे, किसको रोक सकते हो? मैं तुम्हारे सामने हूं, बात कर रहा हूं। कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ खुदा का खौफ करो। आपके पड़दादा ने जो मौसूफ गुलाम कादियानी थे, उन्होंने ये कहा कि ये अल्लाह ने मुझे बताया है कि ये जगह जो है, जो यहाँ पे दफन होगा वो बहिश्ती होगा, वो नेक जन्नती होगा। मैंने मान ली बात कि कोई किसी की जमानत नहीं दे सकता कि जी ये जो चला गया है ये जन्नती हो गया, ठीक है, लेकिन आपने जो वहां पे दफन करने वाले हैं, आप जिसके सरबराह हो, आप पूरी तरह से यकीन करते हो कि ये शख्स जो है वो नेक है, वो पाक है, साफ है, साफ गो है, नेक किरदार का, अच्छे किरदार का, अच्छी सीरत का मालिक है। जिसका जनाजा आपने आज भी नहीं पढ़ाया, जिसका जनाजा आज भी आपने नहीं पढ़ाया, शाहद पाशा का, और आप ये जानते हुए कि ये शख्स जानी था, मैं आपसे पूछता हूं तो उस जानी को उस बहिश्ती मकबरे में दफन करने की इजाजत तुमने क्यों दी? क्या ये मिर्जा गुलाम अहमद के मुंह पर तमाचा नहीं है? क्या तुमने उसकी पगड़ी को पांव तले नहीं रौंदा? ये उसकी कब्र देखो, बश्ती मकबरे के अंदर ये नवाब शाहद अहमद खान को तुमने दफन करवाया है, किस लिए? तुमने जनाजा नहीं पढ़ाया तो व्हाट ए बिग डील, यहां पे दफन हुआ है ना एक जानी शख्स, तुमने जनाजा इसलिए नहीं पढ़ाया तो वो जानी था।
और ये अगर कहो एक जाहलों की तरह कि जी वो मूसी था, वो मूसी हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता जब वजानी हो गया, किस तरह से? तो ये जगह जो है जिसे तुम बहिश्ती मकबरा कहते हो, इसे जानियों का मकबरा कहो, इसे जानियों का मकबरा कहो, जिसमें मिर्जा गुलाम अहमद भी है, जिसमें तुम्हारे नाना मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद भी है, जिसमें तुम्हारे अब्बा मिर्जा मंसूर भी है, जिसमें तुम्हारी अम्मा नासरा भी है। मसरूर, कुछ अगर शर्म है या है तो डूब मरो, वरना अपनी खिलाफत पे गौर करो, अपनी गद्दी पे गौर करो कि तुम कर क्या रहे हो, हरकतें क्या हैं। मुझे पता है, बड़ी अच्छी तरह से मुझे इल्म है, मैं तुम्हें यकीन करो मुस्कुराते चेहरे के साथ कह रहा हूं कि जितनी गालियां मुझे आज के प्रोग्राम के बाद पड़ेंगी या अभी भी शुरू हो गई होंगी, इससे ज्यादा कभी नहीं पड़ सकती। शेख साहब पढ़ रही है, मैं सुना दूंगा कुछ चीजें पढ़ रही है थका के। ये जो चीजें हैं ना, यकीन करो, लेकिन मैं सही बात कहने से रह नहीं सकता, मैं सही बात कहने से रह नहीं सकता। और ये मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम लोगों ने, मसरूर मियां, अगर तुमने भी, ये हमारे मुसलमानों में भी ये चीज की कमी है, लेकिन आपके अंदर तो है ही नहीं, कि अगर सीरत रसूल का तुम लोगों ने मुताला किया होता और उसे कुरान की नजर से देखा होता, यहां पे जो मैं अल्फाज कहने लगा हूं बहुतों को चुभेंगे और बहुतों को तंग करेंगे, कि हदीस की नजर से नहीं, कुरान की नजर से। हदीस में बहुत सी एग्जैजरेशन है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वो मतलब मोहब्बत में बड़े अजीब अजीब बातें अकल से भी बाइट कर गए हुए हैं, नहीं, कुरान एक बैलेंस चीज है। उसके चैनल से, थ्रू द चैनल ऑफ कुरान, अगर आपने उस टनल से देखा हो तो यकीन करो तुम अपनी खिलाफत पे ठोकर मारते हुए इस शख्स के हक में फैसला करते, उस काजी की गर्दन उड़ा देते, बेशक। लेकिन तुम्हें पैसे से करते, तुम्हें पैसे से करते, और यही हाल तुमने यहां पे किया, क्योंकि पाशा ने तुम्हारा मुंह जो है वो बंद किया हुआ था पैसे से। ये जो चीजें हैं, सोचें आप इस चीज को, ये जो घरों में बैठ के वीडियोस बना के अपनी तरफ से जवाब देते हैं, अब मैं उन्हें क्या कहूं, कि सादगी को क्या कहूं? वो बात करते हैं जी हमें पता नहीं है, पता नहीं है तो फिर अपना मुंह बंद रखें, और अगर पता है तो फिर सही बात करें, सही बात करें। क्या करेगा मसरूर? आपको जमात से निकाल देगा, आपका इखराज कर देगा, जैसे ये होगा वो। लेकिन आप अल्लाह की नजरों में तो सही होंगे। जो लोग इंसानों से डरते हैं, ये मैं आपको बता दूं, और यकीन करना ये बात, अगर कुरान को तुमने पढ़ा होता, तुम में से किसी ने, रसूल कभी अपनी अताअत नहीं करवाता, रसूल कभी नहीं कहता कि मुझे मानो, रसूल हमेशा अल्लाह की अताअत करवाता है, अपनी जात नहीं मनवाता, अल्लाह को मनवाता है, उसके कवानीन को मनवाता है, उसके अहकामात पे अमल करवाता है। और आप हो जी खलीफा साहब की खुशनुदी के लिए, वो जी हजरत मसीह मौत को पसंद नहीं था जी, ये खलीफा साहब को पसंद नहीं है। मसरूर, मैं लानत लफज इस्तेमाल करने का कायल नहीं हूं, लेकिन यकीन करो मेरे पास कोई चारा नहीं है। जो शख्स अल्लाह पर अपने आप को तरजीह दे, लानत है उस शख्स के ऊपर। ये जो बात मैंने कही है, यकीन करो, कोई हंसते मुस्कुराते चेहरे, बहुत तकलीफ में कही है, और अगर आप थोड़ी सी भी इससे सबक ले लो तो शायद मैं समझूंगा, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, तुम राह रास्ते आ जाओ। तुम खुद देखो,
मैं तुम लोगों को छोड़ के, बात क्या होती है जी, मसीह मौत को छोड़ दिया, वो मर गया, ये मर जाएगा, आप जिंदा नहीं रह सकते, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, और मैं तुम्हारे सामने हूं, मुझे 24 साल हो गए हैं, मैं पहले कभी इतना खुश नहीं था, अल्लाह पहले कभी इतनी सुकून की नींद नहीं सोता था, सुभान अल्लाह। पहले कभी इतने आराम से नहीं रहता था। इंसान के साथ सेहत, तंदुरुस्ती, बीमारी, हर चीज है, मेरे साथ भी है, लेकिन जो सुकून इत्मीनान मुझे है, यकीन करो तुम खलीफा हो के भी तुम्हारे पास है। मसरूर इसका पता करो, वरना यकीन करो दोजख का आला मुकाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, दोजख का आला मुकाम। और अंदाजा कर लो आला मुकाम का टेम्परेचर क्या होगा। ये जो बातें हैं ना, यहां पे आपके मानने वाले अहमदियों ने, मतलब जब वो फोन पे बातें करते हैं, किस तरह की गालियां, किस तरह के मगलजात बकते हैं, यकीन करो मैं अभी बड़े दुख के साथ सुनवाऊंगा, लेकिन मैं सुनवाऊंगा आपको। आपके बैठे हुए लोग कहोगे तो मैं बकायदा तौर पे, मेरे पास उनके नंबर्स, उनके मुल्कों के नाम, शहरों के नाम, उन बंदों के नाम भी हैं, लेकिन मैं जो, इसकी जरूरत नहीं है कि मैं उनको करूं, लेकिन सिर्फ उनकी करतूतें तुम्हें सुनाना चाहता हूं कि ये है तुम्हारा इखलाक, ये सिखाया तुमने। और अगर ये कहो कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ये ऐसे नहीं है वैसे नहीं, बड़ी खुशी से कहो। ये ढीठ और बेशर्म लोग बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं। मैं जी जी शख्स इस चीज के साथ, ये जो दो मैंने आज उस बंदे का जो बयान, उसने कुरान पे हाथ रख के दिया है, कुरान पे हाथ रख के बयान दिया है मस्जिद में खड़े होके, और फिर नीचे पढ़े आप, ये देखें मैं इसके बाप की जगह हूं और वो मेरी बेटी की तरह है, अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद उसके साथ शादी करके बैठा हुआ है ये शख्स। अल्लाह मैं, ये मेरे तक इत्तला है, एक चीज जहन में रहिए, ये मेरे तक इत्तला है, अगर ये गलत है प्लीज मुझे बताइए, अगर ये गलत है प्लीज मुझे बताइए, आपका ना बताना ये साबित कर रहा होगा कि हाँ ये सच है। अब मैं फारूक जी चाहूंगा कि वो जो मुझे और आप सबको भी, बहरहाल आप फारूक आप भी जी शामिल शेख हो, साहब, आप भी शामिल है, कि हम सबको जो बड़े अच्छे लफ्जों से नवाजा गया है, जरा वो मुताफन ज्यादा जी फूल जो है वो भी जरा पेश कर बिल्कुल दीजिए बिल्कुल, दोनों। मैं बिल्कुल सुनाता हूँ शेख साहब। फारूक भाई हम इंशाल्लाह शॉर्टली ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ उनका वहाँ कुछ बिजी हो गए हैं, तो मैं इधर से उस चीज को लेता हूँ। नाजरीन, शेख साहब ने मेरे ख्याल से जिस खुलूस के साथ, और मुझे आज कहने दें कि शेख साहब आज कदरे इमोशनल थे, क्योंकि हकीकत ये है कि जब आप ये देखें, आप एक जगह पर वो खत लिखकर अल्फिया कह रहा है भी मेरी बेटी की जगह पे है, उसके बाद तुम फौरन जब मसला हल होता है तुम निकाह कर लेते हो, उसके साथ शादी कर लेते हो, क्या समझे कोई, मतलब और मर्द खत्म हो गए थे, आप ही रह गए थे जिसके साथ शादी होनी थी। ये जब चीजें उठती है ना इस तरह। अच्छा, मुझे एक और बंदे ने जर्मनी से मेरे साथ रब्ता किया, प्यारे दोस्त है, मैं नाम उनका डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उन्होंने कहा हुआ कि मैं आपसे रब्ते में हूँ, आप कोई चीज चाहे मेरे पास, मैं हल्फिया कहने को बहुत सी चीजें तैयार हूं, मगर मैं जिक्र नहीं डिटेल में करूंगा। उन्होंने कहा है कि वहां रबवे में चिनाब नगर के अंदर जो जमाते अहमदिया के ये माली, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर वगैरह ये लोग काम करते हैं, इनकी बहनों और इनकी माओं के साथ ज्यादती होती है, इनकी बीवियों के साथ ज्यादतियां करते हैं वहां पर। और उसने बताया कि अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, कि उनकी औरतों को अल्लाह माफ करे, उनकी गुर्बत की वजह से इन्होंने इस धंधे पर लगा दिया हुआ है, एक बड़ी तादाद है जो इन चीजों में मुलव्वस है। और कई खवातीन ने बताया है, एक प्रोग्राम शेख साहब कर चुके हैं जो कि हमने भी अपने चैनल पर नहीं रखा क्योंकि हमारे अपने तहफ्फुजात थे, उस प्रोग्राम के अंदर औरत ने बताया है कि किस तरीके से ये कहाँ कहाँ तलाशियां और हाथ फेरते रहे हैं, ये चीजें करते रहे। मसलन आप लोग, मुझे शेख साहब फिर गुस्सा, बैक स्टेज में शेख साहब मुझसे नाराज हो रहे थे, तुम ये मुझे कहने दें,
यार आप 72-73 72-73 की गेम खेलते हो कि भत्री जनाब जहन्नमी है हम जन यार अहमदी लोगों, आंखें खोलकर सोचो कौन से वो गंद और बुराई और खबासत और गलासत और स्याहकारी और धब्बा है जो 72ों के अंदर है आपके अंदर नहीं, मुझे बताओ तो सही। मैं अहमदियत कबूल करने को तैयार हूं, आज डंके की चोट पर कहता हूं, नहीं डरता किसी से, मुझे बताओ तो सही। जो गंद आपके बकौल है 72ों के अंदर वही आपके अंदर है। क्या तबलीग करनी है आपने एमटीए के ऊपर, और किसको आपने इसलाह करनी है? जिनको बेटियां कहते हो उन्हीं के साथ मुंह काले करते हो, हल्फिया लिख कर जिनको बहने का लिख कर, चलो बंदा कहता है ना मुंह से कह दिया, लिख कर हाथ से कहता है कि मेरी बेटी की जगह मैं बाप की तरह हूं, फिर निकाह खड़का देता है। तो कौन लोग हो तुसी यार? मगर मैं एक टेक्निक शेख साहब इनकी बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं फिर वो खूबसूरत अल्फाज सुनाऊंगा। और शेख साहब ने मुझे, मैं बड़ी मुश्किल से, मैंने नादरी में आपको बता दूं, मैंने शेख साहब से इजाजत ली थी, शेख साहब नहीं पसंद कर रहे थे कि इस तरह की चीज कम से कम उनकी मौजूदगी में चलाऊं, मगर नादरीन मैं इस प्रोग्राम में ये चीज जरूर रखना चाहता था जिसको मैं ऑडियो करूंगा, मगर मैं दो हवाले देना चाहता हूँ। एक हवाला दूंगा उसके बाद मैं फिर वो जो शेख साहब की इजाजत थी और शेख साहब कह रहे थे कि उसके बयान करने से पहले भी मैं एक ऐलान कर दूंगा, मगर ये शेख साहब मुझे ये लगता है कि जो हवाला मैं पेश करूंगा बेसिकली कादियानियत की खवातीन की और इनके मर्दों की ब्रेन वॉशिंग की गई है कि आपकी औरतें जो है ना ये रॉयल फैमिली की मलकियत है, जब इनका दिल करेगा ना ये आपकी तलाकें करवाएंगे, आपसे आपकी बीवियां छीनेंगे, आपकी मर्जी के बगैर आपकी बेटियों से निकाह करवाएंगे, आप बोल नहीं सकते क्योंकि आप हमारे गुलाम हैं। अच्छा, बल्कि आपको इस पर फख्र होना चाहिए कि आपकी बेटी हम उठा के ले गए हैं आपकी इजाजत के बगैर, इस पर फख्र करें, लोगों को बताएं कि जनाब मिर्जा मसरूर चुक के लै गया से, वो मिर्जा बशीरुद्दीन लै गया से साड़ी कुड़ी, ठीक है? तो बहरहाल वो एक बंदा था ना, वो काफी नशे कपड़े पहन के तैयार होकर बैठा था, तो किसी ने पूछा क्या हुआ, कहता वो डाकू भैन नु चुक के लै गए ने, जियो वाले आ रहे हैं इंटरव्यू वास्ते, तो वो फख्र फख्र से बता रहा था कि मेरा इंटरव्यू लेना से, यानी इस तरह की हालत बन चुकी हुई है कि फख्र करते हैं। अच्छा देखिए, ये हवाला शेख साहब मैं स्क्रीन पर रखना चाहता हूँ, मैं इसका जिक्र भी कर रहा था मगर आज मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड के अंदर ले आऊं ताकि ये भी एक हिस्ट्री का हिस्सा बन जाए। ये जी इनके फरजंदे अर्जुमन सीरतुल महदी के अंदर सफा 312 हिस्सा पंजम में लिखते हैं, रवायत 1568, रवायत नंबर लिख लें, कोई भी नुस्खा होगा आपको मिल जाएगी। अच्छा हाँ, चेंज ना नंबर आगे पीछे कर लें मगर ये रिकॉर्ड हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें 1568, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सफिया बेगम, अभी आपने देखना है कि ये लड़की मिर्जा साहब की महरम है या नहीं, और ये लड़की कौन है, आम लड़की है, देखें ये लड़की कहाँ से आई है। ये मैं बेसिकली मैं इस नेटवर्क को एक्सपोज करना चाह रहा हूं कि जब कल्ट्स के अंदर लड़कियां सप्लाई होती हैं ना और लड़कियों को अब्यूज किया जाता है, वो कहां से आती हैं और कहां जाती हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, याद रखें। ये कोई राह चलती लड़की को नहीं पकड़ी, ये बकायदा इनकी ओहदेदारान खवातीन को इस तरीके से ये हरास करते थे, जिनको ये जिस तरह ऑफिस के अंदर हरास, अभी रिसेंटली केस है फैसल बैंक का, इस तरीके से ये उनको हरास करते हैं उनकी मर्जी के बगैर, उनके जिस्म के जो है ना वो उनके जिस्म की तलाशियां और इस्तेहसाल करते हैं। ये देखे जरा, कहते हैं जी सफिया बेगम बिनते मौलवी अब्दुल कादर साहब मरहूम, फोत हो गए, लुधियानवी हाल हाल मुअल्लिमा नुसरत गर्ल्स हाई स्कूल कादियान ने, ये टीचर थी नुसरत गर्ल्स हाई स्कूल की, यानी ये टीचर हैं गर्ल्स स्कूल की। अब एक टीचर ये कर रही है जो आगे आएगा उससे करवाया जा रहा है और उसको किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो मुझे ये बताएं कि फिर वो टीचर जिन बच्चियों को जाके पढ़ाएगी उनकी जहन साजी क्या करेगी, ये याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक टीचर इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस होगी वो बच्चियों को पढ़ाएगी तो क्या कहेगी? हमने देखा है कि कई औरतें होती हैं जब वो अपनी से छोटी बच्चियों को ट्रेन करती हैं तो उनको वो गलत कामों में लगा देती हैं, उनको बताती हैं जी कर लो उज कर लो, उसको गलत बहकाती हैं उनको। अब ये देखें आगे कि टीचर साहिबा की ब्रेन वॉशिंग कैसे होती है। कहते हैं बजरिया तहरीर मुझसे बयान किया कि एक दफा हुजूर अकदस हजरत मसीह मऊद ने नीचे बरांडे के अंदर जहां एक कमरे में आजकल बावर्ची खाना पकाता है, बावर्ची खाना पकाता है, पलंग पर लेटे हुए थे, मुझे फरमाया सर दबाओ। किसने जी? हजरत अकदस साहब ने। किनको? टीचर साहबा को। अच्छा, टीचर साहबा जो हैं वो घर, उनको रिक्रूट किया गया, हायर किया गया है स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने के लिए, और मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं, लेटे मुझे फरमाया सर दबाओ। आप दबवाते नहीं थे बल्कि एक तरफ अंगूठे दूसरी तरफ उंगलियों से सतवाते थे, यानी वो जो प्रेशर होता है कनपट्टी के ऊपर, ये पुड़पुड़ियों के ऊपर जो होता है, मैं बहुत देर तक इसी तरह सर दबाती रही। अच्छा जी,
मुझे सर्दबाती को फरमाने लगे, ए चेक करो जरा ये जुमला, चेक करें जुमला, चेक करेंगे वजनी। मुझे सर्दबाती को फरमाने लगे, किसी दिन तुमको बहुत फख्र होगा कि मैंने मसीह मऊद का सर दबाया था। ये कलमे हजरत के मुझे ऐसे याद हैं जैसे अब फरमाते हैं, अफसोस उस वक्त कुछ कदर ना की, अब पछताने से क्या हो सकता है। अच्छा ये आप अंदाजा करें कि एक मसीह मऊद साहब हैं, एक नबी हैं, जस्ट टू गेट द पिक्चर राइट, वो एक स्कूल की टीचर हैं, उनको कह रहे हैं कि आप मेरा सर दबाएं, और सर दबाते हुए ना उसको ये जी एहसास दिला रहे हैं, कभी तुम याद करोगी कि तुम मसीह मऊद का सर दबाया करती थी। अच्छा जी, तो वो ये याद ना करे कि कुरान ने क्या कहा हुआ है, यगुस्सु अबसारकुम, अपनी नजरें नीची रखो। वो ये ना देखे कि तुम्हारा गैर महरम है, ये ना देखे कि तुम किसी और की बेगम हो, ये ना देखे कि तुम्हारी ड्यूटी जो है वो गर्ल्स हाई स्कूल, नुसरत हाई स्कूल की थी, और तुम उसे चारपाई के ऊपर बिठवा कर अपने घर के अंदर सर, यानी इन मिर्जा साहब की बीवी किधर थी, मिर्जा साहब के बच्चे किधर थे, मिर्जा साहब के मुलाजम किधर थे, कोई मर्द नहीं था जो मिर्जा के सर को और गले को दबा सकता, माजरत के साथ कोई दबाने वाला नहीं था, कोई मर्द नहीं था वहां पर मिर्जा साहब को ये तरबियत देने वाला कि भाई आप जरा ठंडे हो जाए। आमिर, सॉरी, मुझे मैं आपसे अर्ज करूं गो कि ये मौका नहीं है, लेकिन सिर्फ जस्ट फॉर द रेकॉर्ड सेक एक बात कर दूं। जब आप दीन को मजहब में तब्दील कर दोगे ना, उसके अंदर जब इंसानों के, जैसे इनका मतलब गुलाम कादियानी खुद के उसको इल्हाम की तरफ और वही की तरफ वो मंसूब करता है, क्योंकि सारी उसकी अपनी सेल्फ मेड चीजें हैं, फैब्रिकेटेड है ये, कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। जब इंसान के जिस्म से बरकत, उसके कपड़ों से बरकत, ये वो की चीजें आ जाए, जी तो जी फिर उसके जहनों के अंदर ये चीज जो है ना, ये डाली जाती है कि मिलो, जाओ हाथ मिला लो, तुम्हें बरकत हो जाए। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, मेरा एक दोस्त जो यहाँ कैलगरी से, वो आए जी एक जलसे के ऊपर, मिर्जा ताहर के जमाने की बात है, तो उनका सबसे छोटा बेटा कहने लगा, मुझे हजूर ने मेरी इस गाल पे प्यार किया, मैंने तो अब इसको धोना ही नहीं है। ओहो सर, आप जी, अंदाजा करें कि औरतों के जहनों में जब ये है कि हजूर ने मुझे मेरे सर पे हाथ फेर दिया, हजूर ने मुझे गले लगा लिया, उनके तसव्वुरात में जो चीजें डाली हुई हैं, जो की हुई हैं, अब इसका दीन से क्या ताल्लुक? दीन से अगर इनका जरा सा भी ताल्लुक हो, ये कुरान की तालीम को देखते हो, ये लोग किसी और चक्कर में, खैर किसी और वक्त करेंगे, ठीक हो ये गया, वो ठीक हो चीज। गया, ठीक हो गया। अच्छा शेख साहब ने नाजरीन कहा कि वो गाल पे हाथ से प्यार किया, तो वो कहने लगे जी मैं आप गाल नहीं दूंगी, वो भावे मिर्जा साहब ने हाथ भी 3 दिन तो ना धोता होगा, खलीफा साहब ने, उन्होंने भी हाथ नहीं धोवा होगा। खैर बहरहाल ये तो अपने अपने हाइजीन की बात है। खैर मैं आगे चलता हूँ, ये मैं हवाला दिखाना चाह रहा था, इसे बताना चाह रहा था कि ये ब्रेन वॉशिंग क्या है। बशीर भाई आप कुछ बात कहना चाहते हैं, फिर मैंने सेकंड पार्ट की तरफ चलना है, और उसको बशीर भाई कहना चाह रहे हैं। जी, हाँ जी, दो बातें हैं। ये सिर्फ कपड़े शपड़े की भी बात नहीं थी, ये जो जो चीज़ा मिर्जा खांदा था वो भी खा जाने सन, जरा जरा खत्म नहीं था हुआ, वो भी खा जाने सन, उसमें बरकत समझते थे। और फिर जो मिर्जादा जरा पुत्र सी जरा जाके खलीफा हो गया सी, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद, उन्हें पता सी कि अब्बे दे राती दो तीन कुड़ियां भी आ जांदियां ने उन्हें लतारना ते इंज करना, पुत्र नु भी पता सी, तां भी अगे जाके ओदे वेल पुत्र सेड, ने वेल ओही सेड। काम कीते जा। तो बस ठीक है, ओ जड़ा ना पूरी वान दी वान बिगड़ी हुई है। अच्छा जी आगे चलते हैं नाजरीन। अब इससे पहले कि मैं वो अल्फाज सुनाने के लिए जाऊं, मैं आपको बताने लगा हूं कि ये मैं क्यों शेख साहब और फारूक भाई की इजाजत से मैंने ये पेश करने की इनसे इजाजत जिसारत कर रहा हूँ, और मैं ये पेश करना चाह रहा हूँ। लेकिन खवातीन से माजरत के साथ। हाँ मैं वही वही उस तरफ आने लगा था। हाँ ये मैं पेश करने जा रहा था, उससे पहले मैं ये बताऊं कि आपने अक्सर देखा होगा कि जैतून एफएम लाइव का जब क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन होता है, तो कुछ अहमदी आते हैं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और टॉपिक से हटकर बात, और परसों 2-3 दिन पुराने आपने प्रोग्राम किए हैं उनकी बात करते हैं, और वो भी इररिलेवेंट ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब उनको कहा जाता है, डायरेक्ट किया जाता है कि आप टॉपिक पे बात करें, तो कहते हैं जी आप लोग बात नहीं करने देते। अच्छा जी ठीक हो गया। अच्छा कुछ लोगों को बुलाया जाता है कि आप जमात की तरफ से मौकफ दे दें, वो भी आते हैं, कोई बात नहीं करते, टॉपिक से हटकर बात करते हैं। अब आपको पता है कुछ अरसे से एक शख्स है, वो कल भी आकर अपनी आईडी चेंज कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था कभी कुछ कर रहा था, अभी लिंक दिया हुआ है मुझे, वो बैक स्टेज पर नजर कोई भी नहीं आ रहे। ठीक है, लिंक दिया हुआ है मैंने उनको कि भाई आप इधर आए, आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, वो हो सकता है मैं उनको लिंक दूं तो वो आ भी जाए, मुझे
मुझे नहीं पता, मगर ये लिंक भी नीचे आ गया आपको, टीम ने दे भी दिया, इस लिंक पे क्लिक करें आ जाएं, उनको मौका दिया जाएगा। मैंने आज उनको, मुझे उनके मैसेजेस आए, अब मैं दिखाने लगा हूँ, मगर इससे पहले दो हवाले दिखा के बड़ी तेजी से फिर मैं चलूंगा। ये जी एक हवाला आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये जमाते अहमदिया के लोगों को कहने लगा हूँ कि हम तो गुनाहगार, हम तो गाली बकने वाले, हम तो जो है ना वो लानतान करने वाले, हम तो दुनिया में तबाह हो गए, आप लोग एक इलाही जमात हो ना, ये आपकी सिफात होनी चाहिए। रूहानी खजान जल्द 21 सफा 144, मिर्जा साहब कहते हैं, गालियां सुनकर दुआ दो, पाके दुख आराम दो, किबर की आदत जो देखो तुम दिखाओ इंकसार, तुम ना घबराओ अगर वो गालियां दें हर घड़ी, छोड़ दो उनको के छपवाएं वो ऐसे इश्तिहार, चुप रहो तुम देख कर उनके रिसालों में सितम, दम ना मारो गर्व मारे और कर दें हाल इजहार, देख कर लोगों का जोशो गैज मत कुछ गम करो, शिद्दत गर्मी का है मोहताज बाराने बहार। ये मिर्जा साहब का लिखा है जी, इसमें मैंने हाईलाइट कर दिया, गालियां सुनकर, यानी गालियां पढ़ रही हूँ तो आपने दुआ देनी है, आपने गाली नहीं देनी। दूसरा वाला ले लें जी, आपकी स्क्रीन पर वॉल्यूम 19 है, पेज 11, कश्ती नूह का हवाला आखिर में, किसी पर तकब्बुर ना करो गो अपना मातहत हो, और उस और किसी को गाली मत दो गो वो गाली देता हो, यानी रिस्पॉन्सिव रिएक्शनरी भी आपने रिटेलिएट उस नहीं करना गाली का कम अज कम, गरीब और हलीम और नेक नियत और मखलूक के हमदर्द बन जाओ, कबूल किए जाओगे। ये एक अहमदी का रवैया होना चाहिए। अच्छा, ये जो हवाला है ना आपकी कश्ती नूह का, ये बेसिकली जमात के जो बैत करने वाले मुबाइन है ना उनको कहा जा रहा है, या पूरा 11 नंबर पेज पूरा पीछे पढ़ेंगे ना तो ये उनको हदायत है। इसका मतलब ये है कि जमात अहमदिया में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनकी कलीती बुनियादी फंडामेंटल जो एक मॉरल अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, ठीक है ना, सोसाइटी के अंदर ये होनी चाहिए। मगर ये मैं आपको अप्रोच दिखाने लगा हूँ, इससे पहले कि मैं ऑडियो प्ले करूँ, मैं यहाँ कहता हूँ कि खवातीन और बच्चे जो 18 से कम हैं, ठीक है, या टीन एज से कम हैं, अगर वो आप लोगों के पास बैठे हैं तो बापों को चाहिए, वालदैन को चाहिए, उनको दूर कर दें। खवातीन जो बैठी हैं हमारी तरफ से उनको इजाजत नहीं है कि आप ये चीज सुन सकें, बाकी जारी बात है हर बंदे की अपनी सोच है, वो सुनेगा नहीं सुनेगा उसकी अपनी मर्जी है, मगर मैं इसलिए ये प्ले करने लगा हूँ कि जब ये लोग जमात अहमदिया 72-73 की गेम और इलाही जमात क्या कराते हैं इनकी तरबियत पता चल सके, नंबर एक। नंबर दो कि हम इनसे किस तरह मुखातिब होते हैं, हम इनको कहते हैं कि आप यहाँ आए हम आपको मौका देंगे, और जब ये बात नहीं कर पाते तो इन ये अपना मकसद क्या बयान करते हैं और कैसे बयान करते हैं, ये जरा आप ले लें। खवातीन चली जाएं जो बच्चे हैं टीन एज से हैं, उन बच्चों को वालदान साइड पर कर दें। अगर आपने स्पीकर ओपन किया हुआ है तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये पहले बता रहा हूँ, स्पीकर अगर आपने ओपन, लाउड स्पीकर पर चल रहा है, कई लोगों को शेख साहब मुझे एक दोस्तों ने स्क्रीनशॉट भेजा माशाल्लाह, वो बड़ी LED पर उन्होंने प्रोग्राम लगाया, एक तरफ आप एक तरफ फारूक भाई एक मैं उमर खमश वैसे नजर आ रहे, तो वो लाउड स्पीकर पर उन्होंने प्रोग्राम लगाया हुआ था, तो जिन्होंने लाउड स्पीकर पर प्रोग्राम लगाया वो भी सर इनका वॉल्यूम कम कर लें या इस शॉर्ट को बाद में सुन लीजिएगा। ये मैं प्ले करता हूँ, मुझे आप लोगों ने बताना है कि ऑडियो आ रही है कि नहीं, ठीक है जी, मैं उसको दोबारा प्ले करूंगा। अच्छा जी, और जिन्ना को मौजूद है तो उसी रहने दे आ रही है जी, ठीक हो गया जी जी, ठीक हो गया। ये थोड़े पंजाबी के अल्फाज हैं तो इनको आप जो लोग पंजाबी समझते हैं समझे, नहीं तो फिर शेख साहब या फारूक भाई या मैं उनकी तशरीह कर देंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं, और ये मुझे मजबूरन प्ले करनी पड़ रही है, मैं दोस्त से माजरत चाहता हूँ इससे, क्योंकि ये शो आप नहीं कर रहे। ले जी ये ऑडियो सुन लें आप, और जिन्ना को मौजूद है तो उसी रहने दे ना, वो भी मैं देखे हुए नाजरे दोबारा सुने, दोबारा सुने जुमला एक बार, इन्होंने ये क्या बोला क्या है, दोबारा सुने आपने खमो एक मिनट रहना, ये जरा सुने ये क्या कहते हैं, एक मिनट शेख साहब एक मिनट, फिर हवा टैट हो जाती है ये देखिए, फिर कहता है जी अच्छा ये मैं इसको बंद कर देता हूँ। खैर बहरहाल मैं सिर्फ इस पर नाजरीन जो मैं कोई तबसरा नहीं चाहता, ना मैं चाहता हूँ शेख साहब इस पर तबसरा करें, ना मैं चाहता हूँ फारूक भाई, ना मैं बशीर भाई, तबसरा इस पर नहीं है, सवाल है, दर्दमंदाना सवाल है मेरा। सवाल जो है वो ये है, लिंक दिया जाता है, बात करने का मौका दिया जाता है, चले नहीं दिया जाता, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मौका नहीं दिया जाता,
म्यूट कर दिया जाता है, आपकी नहीं सुनी जाती, क्या आपको गाली निकाली जाती है? आप ये भाई ने मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता किया, क्या मैंने कभी इनको गाली निकाली? क्या मैंने कभी इनको बुरा भला कहा? मैंने तो कभी नहीं कहा। मुझे एक अहमदी दो, अभी मैं बहुत सी चीजें हैं जो मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ कि ये वो हैं जो हमारे फोन पे आते हैं। मैं अहमदी दोस्तों से पूछता हूँ, ये आप लोगों की तरबियत है यार? ये लोग आकर सोशल मीडिया के ऊपर करेंगे। अभी आगे मैं ऑडियो आपको सुनाना चाहता हूँ जिसमें पता कहते हैं, मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप वहां आकर मौकफ दें, ठीक है? मेरे ख्याल से ये सुने आप, जरा सिर्फ मैं ये सुना देता हूँ। मेरे ख्याल से अगर ये आवाज आ जाए तो लोगों से आगे गल कर लिया जे, ज्यादा बेहतर होगा। बस छोड़े, ये मैं मजीद आगे नहीं सुना सकता क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से एक ही इजाजत ली थी शेख साहब से, और मैंने कहा था कि ये मैं सुनाना जरूरी समझता हूँ, और मैं माजरत चाहता हूँ मेरे दोस्त जिनकी मैंने ऑडियो सुनाई है। हाँ, सिर्फ सिर्फ ये चीज मैं कहना चाहता हूँ शेख साहब, हम इनको कहते हैं इधर आके बात करें, मैं तो गाली नहीं निकाल रहा, शेख साहब तो गाली नहीं निकालते, फारूक भाई तो गाली नहीं निकालते, हम बुरे सही, हम काफर सही, हम मुर्तद सही, हम दीन से खारिज सही, जमाते अहमदिया की ये तरबियत है। अहमदी दोस्तों, क्या ये लोग जमाते अहमदिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों ने भेजे हुए हैं? क्या इन लोगों के साथ हम बात करें? क्या ये आपके किनारे पर पहुंचाएंगे? क्या ये फतह हासिल करवाएंगे? अब इसको सिंगल आउट ना करना, उसकी वजह यह है कि जब आप जमात अहमदिया को प्रेजेंट करने के लिए आते हैं तो आप मुकम्मल की मुकम्मल इल्हामी जमात और बाकी सबको जहन्नमी कहते हैं, ये आपका एक फर्द है। खुदा रहा इस तरफ तवज्जो करे, मैं क्या कहूँगा जी। शेख साहब आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? नहीं, थैंक यू। इसके बस ठीक है, इस ऊपर पर छोड़ दें, छोड़ ठीक दें शेख साहब। आमिर भाई बस ठीक हो गया, आपने सुना लिया, बस ठीक है, काफ़ी है। अब ये खुद ही इसको देखें, स्किप करें इसको अब। और जी। ये मुझे ये कंफर्म कर देना, ये वही साहब है ना? अब चूंकि ये ब्लॉक की इन्होंने लफज किया, तो ये जो कल ड्रामेबाजियां कर रहे थे आके, ये वही है ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल वही हैं। और ये हकीकत ये है कि ये बड़े अच्छे से, हाफिज मैं इनसे बात करता, हाफिज जी हाफिज 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 अकबर, ठीक, जी, हाफिज ये अकबर कंफर्म साहब हो हैं। गया। और मैं ओके जी, और मैं ये बता दूं फारूक भाई, उसके बाद आप कॉल का आगाज कीजिएगा, बड़ी अच्छे से हमारी बात होती थी, शेख साहब से इख्तलाफ का इजहार करते थे, मगर ये है कि जब से ये शेख साहब ने बड़ी खतरनाक, ये दो तीन स्ट्रीम्स जो की है ना, ये बहुत खतरनाक हैं, ये बहुत तंग कर रहे हैं शेख साहब इनको इस वक्त, बहुत तंग कर रहे हैं इस वक्त। जमाते अहमदिया को नहीं बर्दाश्त हो रहा, ये जो 5-6 किस्म की स्ट्रीम्स आपने कर दी है ना, ये नहीं बर्दाश्त है भाई। मैं सारी जिंदगी ये हवाले देता रहा ना, मिर्जा साहब ने ये कहा, मिर्जा साहब ने जुरियतुल बकाया कहा, मिर्जा साहब ने मौलवियों को गाली निकाली, अल्लाह की कसम कुछ नहीं होता अहमदियों को, वहीं खड़े रहेंगे ये। क्यों? क्योंकि ढीठ है, ये सुन सुन के बड़े हुए हैं। ये जो अब इनको, ये जो शेख साहब ने अंदर से नंगा करना शुरू किया ना, ये खतूत निकलने शुरू हो गए हैं, इन्हों अजाब पै गया है। वो यार केड़ा बंदा साढ़े पीछे पै गया था, की करिए करिए की ना, इसकी कोई कीमत है ना, अल्लाह इसको उठा रहा है, ये हंसता हुआ वीडियो पर बैठा रहता है, जाए तो जाए किधर भाई, बस मैं ये कहूंगा। और देयर्स शेख द साहब के बारे प्रॉब्लम, में देयर्स द हबीब हबीब प्रॉब्लम। जालिब ने, शेख साहब के बारे में हबीब जालिब ने उस वक्त कह दिया था कि मैं तो सूरज हूं, मेरे आगे सितारे क्या हैं, मैं तो सूरज हूं, मेरे आगे सितारे क्या हैं, शब है क्या, शब के सहारे मेरे आगे क्या हैं, जो हमेशा रहे खलीफों के और इन मुरब्बियों के सनाहा जालिब, जो हमेशा रहे इन मुरब्बियों के सनाखा जालिब, वो सुखन साज मुरब्बी बेचारे मेरे आगे क्या है। जी थैंक शेख साहब, माशा, बहुत शुक्रिया जी। यू। जज़ाकअल्लाह आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। लिंक नीचे मिल चुका है जी, अब कॉल पे आ जाएं जी, अगर किसी का कोई सवाल हो तो कॉल पे आ सकते हैं। आके आइए जनाब, आप सवाल कीजिए, कोई बात करना चाहते हैं कीजिए। खैर, बहरहाल जब तक आते हैं आप देख लें, कोई ना कोई आ जाएंगे दोस्त। मैं शेख साहब, जो खत के हवाले से बात हुई है, आपने वो एक पूरा उसका बैकग्राउंड रखा है, मतलब ये तो ऐसी चीज अनफोल्ड हुई है कि ये तो रिवर्स मेरे ख्याल से वो चली है। एक मूवी थी क्रिस्टोफर नोलन की, मोमेंटो, मोमेंटो बड़ी वो हाई क्लास गई थी, तो उसमें क्या होता था, वो रिवर्स में एक रील उसकी चलती थी, ए एक बी चलती थी, वो अनफोल्ड होती थी ऐसे। तो आज आपने बेसिकली एक प्रोग्राम वो किया है जो रिवर्स फॉर्म के अंदर अनफोल्ड हुआ है, कि ये सारे उसको गलत गलत कहते रहे थे, मम्मा तो बाद में खुला है कि पीछे चल क्या रहा था, ये बंदा कौन था जिसको कहा जा रहा है कि भाई मेरी नहीं मान रहे, ये तो अब अनफोल्ड हुआ है।
दैट्स एन अमेजिंग स्ट्रोक। ले जी कॉलर्स आ चुके हैं तो मैं हाईली हूँ फारूक भाई, ओवर टू यू सर। जज़ाकअल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया जी आमिर भाई। अच्छा जी, एक मिनट जनाब। ए जी बात साहब, पहले आप आए थे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, फरमाइए जी आपका तारुफ और क्या बात करेंगे या सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, वालेकुम सलाम। हमीद शेख साहब, कैसी तबीयत आप लोगों की? माशाल्लाह, ये जो आपने थोड़ी देर पहले बात की कि कुछ दिनों से जो प्रोग्राम हो रहे हैं और जो चीजें डिस्क्लोज हो रही हैं और वो इनकी बुनियाद को हिला देने वाली और इनके जो इनका जो कसर है उसमें हलचल मचा देने के लिए काफी है, तो मैं तो यही दुआ करूंगा। बाकी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनसे बहस करना, आर्ग्यूमेंट्स देना और ये करना वो करना, ये अब बेमानी है। इनको वहां से पकड़ना चाहिए, वहां से इनको जाके इनको हकीकत बतानी चाहिए जो शेख साहब कर रहे हैं और आप लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत यानी दुआई कर सकता हूं कि अल्लाह ताला आप लोगों को और हिम्मत दें और आप लोग अपने इस काम को जारी रखें इसी तरह। आमीन। तो मेरी तरफ से शेख साहब को भी बहुत बहुत सलाम, आप लोगों को भी और जितने हमारे दोस्त सुनने वाले हैं, बड़ी मेहरबानी है। तो उनसे भी मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि हम यही कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें इस बारे में कि ये क्या हो रहा है। और बाकी शेख साहब, आपकी चिड़िया को जो है ना वो सलाम। मेहरबानी, थैंक यू। आपकी चिड़िया जो है उसको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत उनकी हिम्मत को सलाम कि वो इस तरह बैठ के हिम्मत कर रहे हैं। जाहिर है वो भी तंग होंगे शायद, चिड़िया सो नहीं रही है। चिड़िया से बेहतर है, चिड़िया से बेहतर है हुदहुद कह लें, वो हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की हुदहुद थी। जी बिल्कुल 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 एग्जैक्टली आपने ठीक कहा। तो अल्लाह ताला बस हिम्मत दे, ऐसे लोग आगे आए। देखिए जी, मैं अगर अपनी बात भी करूँ ना तो हम एक छोटी सी बात भी करते हुए बहुत डरते हैं यार, इसको बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा, यानी अपने मफादात इन चीजों से हम पहले रखते हैं। और आप यकीन करें कि जो लोग ऐसी हिम्मत करते हैं वो आज के दौर में, यानी आज जो हमारा ये दौर जा रहा है फितन का, इसमें ऐसी हिम्मत करने वाले लोग ना होने के बराबर हैं और जो है उनको मेरी तरफ से सलाम। अल्लाह खुश रखे आपको, थैंक यू सो मच। बिल्कुल यस साहब, थैंक यू जी। मैं आप इजाजत चाहता हूँ और जो हमारे दूसरे दोस्त हैं उनको भी आप लाइन पे, थैंक यू जी, सलाम अलैकुम। थैंक यू सो मच एजी बट साहब, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह जी। हनीफ साहब जनाब नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हनीफ साहब आपका क्या तारुफ और क्या सवाल करेंगे? अपना माइक अनम्यूट कीजिए हनीफ साहब। एक दफा सिर्फ उस पर क्लिक कीजिए और उसको वहीं पे रहने दीजिए प्यारे भाई। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये अदील अहमद साहब, आपका जनाब माइक या कैमरा कोई चीज आपने अलाउ नहीं की हुई, इसको करके आए जरा पहले फिर आए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम सलाम, मेरी आवाज आ रही? बहुत कम है अबू रफी भाई, आपकी आवाज बहुत कम है। हाँ, मैंने सवाल लिखा भी था अहमद करीम भाई के, आपको मालूम है रब्बुआ में एक बिल्कीस बेगम हुआ करती थी, उसका भी किरदार तो आपको पता है ना, उसको हाईलाइट कर सकते हैं नहीं है? मेरा ख्याल है कि यहाँ पे खवातीन के बारे में किसी की बात अगर ना करें तो ठीक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके जज़ाकअल्लाह। अच्छा दोस्त जो पूछ रहे हैं कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो बताएं, ये जो नंबर है ना जनाब, इसके ऊपर आप टीम को मैसेज कर दें अपना कौन से कंट्री से हैं और आप अपना नाम लिख के और उन्हें कह दें कि जी मुझे ग्रुप में ऐड कर दें,
आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप्स के अंदर इंशाल्लाह। और भी कोई ऐड होना चाहता है तो हो जाए, ये कॉल के लिंक वगैरह सारा कुछ शो से पहले वहां पे मिल जाता है ग्रुप्स के अंदर। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट फारूक जनाब। भाई, जी फारूक सर, भाई सॉरी, अगर वो जिन हजरत का हम ऑडियो सुना रहे थे अगर वो आए तो उनको ले लीजिएगा और उनको सुन भी लेंगे शेख साहब, ठीक है ना? यानी वो अपना मौकफ को देना चाहिए, क्योंकि वो मुझसे अभी व्हाट्सएप कर रहे थे, मुझे कहते हैं लिंक दे, मैंने उनको लिंक दे दिया, हमारी ठीक जिम्मेदारी है। हो गई है, वो आगे कर सकते मेरा हैं। मेरा नहीं ख्याल, मैं माजरत के साथ, मतलब मेरा जाती तौर पे, आप ठीक है, आप साहबान कहते हैं, आपकी जी आला आपकी जरफी मर्जी। है कि वो शख्स आपको इस तरह से, और शेख साहब आपको भी, और आप फिर भी उसको अलाउ करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों की ये औकात है। और मैं तो उसी दिन, मतलब जो है ना, उसको पहचान गया था, मुझे नहीं लगता कि इनको मौका देना चाहिए। इवन आम चले अहमदी भी हमसे जी, एग्री करेंगे, इवन इवन चले फारूक आप भाई, देखिएगा कि जो सुन रहे हैं वो एग्री करेंगे हमसे। जमात अहमदिया में और हम अल्हम्दुलिल्लाह जैतून एफएम लाइव पर जो मुसलमान बैठे हैं उनमें फर्क तो होना चाहिए ना, जमात अहमदिया के लोगों में और हम में। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक, वी विल मेक अ चले डिफरेंस इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी इमरान, इमरान इमरान कानू खान साहब, कानू साहब अपना खोल लें, माइक अनम्यूट कर लें, आप ही हैं, मुझे पता है। या एक मैं मिनट एक एक मिनट मिनट मैं नहीं सो एक सो एक फारूक भाई मैं माजरत चाहता हूँ, ये बंदा गुस्ताख है, मैंने इसके मैसेजेस देखे हुए हैं, इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, इसकी ये हैसियत और औकात नहीं है कि हमारे दरमियान आके बैठ सके। सॉरी, चलें जी, अगर इसको आपने इसको करें, कॉल इसको पे लेना साइड है कर दें, मैं उतर जाऊंगा। साइड साइड कर दें, साइड कर दें, साइड कर दें। वो जिन्होंने डिबेट्स इनके साथ करनी है ना अपने चैनलों के ऊपर, वो जो चैंपियन बनते हैं वो करें इन गुस्ताखों के साथ, मैं नहीं इधर बैठने दूंगा इसको। ये नबी ठीक हो गया, पाक साइड सल्लल्लाहु कर अलैहि दें। वसल्लम को गालियां निकालने वाले लोग हैं। वेल डन, जबरदस्त। रियाज, जाके देखें लतीफा का उनके क्या है? चैनलों के रियाज ऊपर। साहब ठीक हो गया, अमर भाई जी ठीक हो गया, ये चलते बने जनाब। कालू साहब आप तशरीफ ले जाएं यहाँ से। जी रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा जनाब, अगर आपकी इजाजत हो तो जो वो पर्दे का हवाले से जो हुआ था, मैं पहले अपना तारुफ करा दूं, मोहम्मद रियाज नाम है, मिसागा से मुसलमान हूँ, अगर उस पर इजाजत हो सवाल की तो ठीक है, वरना मैं फिर चला जाता हूँ जी। कल का जो आपका प्रोग्राम था नहीं रियाज साहब, आप देख लें, आप पुराना शो है। नहीं शेख साहब, फिर अपने भाई भी करेंगे तो फिर मरदई आके क्या कहेंगे? वो कहेंगे जी अपने लोगों को अलाउ करते हैं पुराने उसके ऊपर, और हमें ये रूल सुनाते हैं, ऐसे तो नहीं ना होता फिर। माजरत, चले। इंतहाई माजरत। आप आज के हवाले से कोई बात है तो प्यारे भाई आप कर लें। नहीं, वो फिर मैं चूंकि सवाल वो उससे मुतल्लिक है इसलिए मैंने ज्यादा चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, मैं दोबारा हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। ओके प्यारे थैंक भाई, ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी यार, ये खुदा यार, बैठे हैं जी, छोड़ इनकी छोड़ 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 जुबानें, इनकी जुबानें कहाँ से वाइट पाले साहब हुए हैं ये लोग जमाते अहमदिया ने। जी ख्वाज साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। अच्छा ये मैं कोई ये ना समझे कि मैं किसको कह रहा हूँ, तो प्राइवेट चैट में वो सही कहा आमिर भाई ने, वो उनकी वो जुबान लीक होना शुरू हो गई है, ये जो अभी साहब आए थे वो नीचे मुगलजात बक रहे हैं, बहरहाल कोई नहीं। जी ख्वाज साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। अलैकुम। वालेकुम सलाम तो वरहमतुल्लाह वबरकात। जारी रहेगा, इमरान कालू हो गए या वो जो क्या नाम है वो जिनकी आपने ऑडियो सुनाई थी, हाफिज भट्ट साहब, इनकी जिंदगी की यही कहानी है, इन्होंने तो करना ही यही काम है। बाकी शेख साहब एक कमेंट है मेरा छोटा सा इस पूरे मामले के ऊपर, वो ये है कि शेख साहब बात यह है कि किसी नंगे आदमी से आप उसके कपड़े नहीं छीन सकते, वो नंगा ही रहेगा। हाँ ये बात जरूर है कि बादशाह नंगा है, ये कम से कम आपने दिखा दिया। अब जो सायलों और ये जो दूसरे आ रहे हैं और जा रहे हैं, अभी इनको अपना बादशाह नंगा ना नजर आए तो इनकी नसों का कसूर है, हम आप क्या कर सकते हैं इसको। तो बस ये मुझे है ख्वाजा पूरी। साहब, मुझे शेख सादी की एक कहावत याद आ गई, उन्होंने जी जो हिकमत सादी उसमें वाक्या बयान किया, वो कहते हैं एक बादशाह था, उसने ना एक वजीर को हायर किया नए को, उसने कहा यार बादशाहत मैं करता हूँ, है मैं नेक हूँ, ईमानदारी से चलाना चाहता हूँ, चल नहीं रही गवर्नमेंट, करूँ क्या? तो उसने वजीर ने कहा मुझे लगता है आपके जो दूसरे मशीर और वुजरा है ना ये हैं खुशामदी, ये आपकी गलती आपको बताते नहीं,
जी हुजूर करते हैं, प्यारे हुजूर प्यारे आका ये प्यारे करते रहते हैं। हजूर। हाँ ये करते रहते हैं, तो आप ना ऐसे करें कि इनको जो है ना वो कहें कि तनकीद किया करें, मुझे ठीक किया, मेरी सलाह किया करें। उसने कहा कैसे, मुझे तो लगता है ये सच कहते हैं। कहता मैं आपको बताता हूँ। वो चला गया, उसने ना मट्टी होती है ना काले कलर की मट्टी, वो लेकर ना एक उसमें डाल दी मर्तबान में, और उसको हिलाकर ना कहा कि जनाब ये बादशाह सलामत ने ना कावा बनाया, नया किस्म का कावा आया है, फ्रेश कावा। तो उनके ना गिलासों में डाल के दिया उन वजीरों को कि ये आप पिए, ये तवज्जो सुनने वाला है। उन वजीरों को कहा ये आप पिए, तो उसने ना सबके गिलासों में डाल के ना बादशाह ने कहा ये बादशाह की रेसिपी है, तो जरा रिमार्क्स पता चल दे जो ईमानदारी से देना। तो सब ने ना वो मट्टी का कावा टेढ़े मेढ़े मुंह बना के पी लिया, ठीक है, वो मट्टी का जो पानी था। तो आगे सब बादशाह सलामत वाह क्या बात है, बादशाह सलामत ये कावे का नाम क्या रख रहे हैं आप, ये तो आबे हयात से मिलता जुलता है, इसका तो टेस्ट ही क्या बात है, बादशाह सलामत इसकी रेसिपी जरूर बताइएगा। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा, जिसने मशवरा उसने कहा गल तो तू सही की है, इन्होंने मैं गूं भी खवा देना ना, इन्होंने कहने से क्या ही बात है, ठीक है ना। तो ये हालत है इस वक्त जमात अहमदिया के उन ओहदेदारान की, जो जी हुजूरी करके इस सारे के सारे सिस्टम को खुडे लाइन लगाने लगे हैं, मगर इस्लाम की तरफ नहीं आते। बहुत शुक्रिया। ठीक, अच्छा जी, ख्वाज साहब और कोई बात आप करना चाहेंगे? बस एक अपना शेख साहब से मेरा वो सवाल था, लेकिन अब मैं इसको मैं दूसरे प्रोग्राम में पूछूंगा, क्योंकि वो चलो इस वक्त मौजूद कुछ और चल रहा है, तो ठीक, वो अगले जबरदस्त, दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, जजाकल्ला जी। अच्छा जी, नेक्स्ट नवीद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नवीद साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, सारों को बहुत बहुत सलाम हो, खासतौर पे शेख साहब से। तो मैं अब ये कहूँगा कि अब जो आप बहुत ख़तरनाक किस्म के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो शेख साहब को अपना बहुत ख्याल करना चाहिए वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए घर से निकलते वक्त, क्योंकि भाई किसी से कोई बईद नहीं है। और मैं तो पहले अहमदीज को उतना नहीं जानता था, लेकिन ये आपके प्रोग्राम्स देखने के बाद जो वो लाइव शो में आते हैं और उनके रवैये और उनकी गुफ्तगू से ऐसे लगता है कि ये दिल में बहुत बुग्ज रख के चलने वाले लोग हैं। जबकि इस प्रोग्राम के अंदर मुझे एक अच्छी बात ये लगी थी कि दो लोगों के बीच में डायलॉग हो रहा है और एक अवेयरनेस की बात की जा रही है। अगर आप समझते हैं कि ये अवेयरनेस नहीं है, चंदा है, कब्रें हैं, अब तो लेटर्स भी आ गए हैं, और ख्वातीन के साथ सलूक, बच्चों के साथ सलूक, तो आप आके बड़े तहम्मुल के साथ बता सकते हैं कि शेख साहब ये जो आप कोट कर रहे हैं, आमिर साहब जो आपकी बात कर रहे हैं, आमिर साहब आप जो बात कर रहे हैं हम भी वही बात करते हैं, लेकिन वो इस तरह से हमारा मौकफ है, हमारा मौकफ ही है, लफ्ज मौकफ साथ लगाना चाहिए, लेकिन वो मौकफ का लफ्ज भी साथ नहीं लगाते और इस तरह से काम करते हैं। वरना तो ये जो बातें शेख साहब इस चैनल पे बैठ के कर रहे हैं और आमिर साहब जो कर रहे हैं, समझा जाएगा कि यही मौकिफ ठीक है, अदरवाइज वो ये कहें कि हमारा मौकिफ ही है और उसके थ्रू उस बात को एक्सप्लेन करें। बस जी, मैं ये कहना चाहूँगा जी। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया नवीद साहब। अच्छा जी, और कोई दोस्त हैं तो आ जाएं जी कॉल के ऊपर, ये रहा नीचे लिंक, आ जाएं, किसी का कोई सवाल हो, कोई बात अच्छा, हो, मैं आ जाएं जी। मैं ना फारूक भाई, शेख साहब अगर मुझे इजाजत दें तो एक अंदर की बात मैं करना चाहता हूँ, शेख साहब जी, नवीद जी, जी जी ये बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। नवीद भाई ने एक बात की है कि शेख साहब को ना अपनी ख्याल करना चाहिए, सिक्योरिटी और अपनी जान वगैरह का, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो इन्होंने इस तरीके का बड़े खतरनाक, मैं शेख साहब ने उजाला दिया तो मैं बात करते, शेख साहब ने कभी ये बात देखें, उन्होंने उस पर भी रिस्पांस नहीं अभी किया था, ना वो करते हैं कभी ऐसी बात, मगर मैं, मेरी एक दफा ऑफ स्टेज शेख साहब से बात हुई थी, मैंने भी यही बात कही, तो शेख साहब ने मुझे पता है आगे से क्या कहा था, शेख साहब कहते हैं आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे मारे ये आए, ये शेख साहब ने मुझे कहा था, ये मैं बात कर रहा हूँ, शेख साहब सामने बैठे हैं, लाइव कह रहा हूँ, आपने ये कहा ना कि वो, शेख साहब कहते हैं मैं तो इंतजार कर रहा हूँ ये कब मुझे मारे और मुझे अमर कर देंगे, ये इनको पता ही नहीं है इतना बड़ा डैमेज ये करेंगे अगर ये मुझे खत्म कर देंगे, तो ये मर जाएंगे, ये अब इनके बस का काम नहीं है। एक के शेख साहब इनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हुए, वो बंदा एक मैं हकीकत बता रहा हूँ, सामने बात नहीं कर रहा, शेख साहब इस वक्त हिस्ट्री का, कादियानियत की हिस्ट्री में बता दूं, ये तारीख है
शेख साहब का वो करेक्टर, ये लेजेंड बन चुके हुए हैं, लेजेंडरी करेक्टर होते थे ना लेजेंड, ये लेजेंड बन चुके हुए हैं। इनको अब कोई उधर खेच उधर खेच, कोई जनाब मुनकर हदीस कह रहे को बातें मसीब, जाओ इसी से सीखते रहे हो, इसी को रूहानी उस्ताद कहते रहे हो। जिस किसी को लेकर आओगे वो एक शेख का जिक्र करेगा, वो कहेगा एक शेख था, एक शेख ने ये किया, एक शेख को पहले सुना, एक शेख की वीडियो देखी, वो बंदा अमर हो गया हुआ है। अल्लाह ताला शेख साहब की कुर्बानी को कबूल फरमाया और इनका लगाया हुआ पौधा जो है इनको कामयाब करे। आप जजाकल्ला मेरे भाई, जजाकल्ला बहुत शुक्रिया। और चलें, आपने बात कर ही दी है शेख साहब, मैं भी फिर एक इजाज़त से आपकी वो बात कर लूँ, कल मैंने कहा था कल बाद में करूँगा। मेरी बात सुने, बड़ी मेहरबानी आपकी, यकीन करें कि मुझे इंतहाई शर्मिंदगी होती है जब आप इस किस्म की चलें बातें चलें, ठीक है ठीक, इट्स ओके इट्स ओके, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है शेख साहब, ठीक है जी। अच्छा जी, हाँ जी, आ जाएं जी, किसी का और किसी दोस्त का कोई कॉल कोई सवाल हो आप कॉल पे आ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। ये रहा नीचे लिंक जनाब। और अच्छा, दोस्त कुछ पूछ रहे थे कि कमेंट्स में, तो अब जैसे कोई बीच में टाइम मिले तो फिर कमेंट्स में पढ़ लेता हूँ, अगर किसी का कोई है, अगर कोई कॉल पे कोई मसला है आने में तो कमेंट में आप कर सकते हैं, अब कर लें जरा, फिर मैं अमित जो कमेंट्स मैंने देख लेता हूँ भेजा है, आपके। अमित हाँ जो मैंने भेजा है ये चूंकि अरबी है जी जी तो जरा जी जी बताना क्या कह रहे हैं ये साहब चले, मौजूद। मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ, प्रणाम। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, क्या देने भी लाइक, ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। वेरी ट्रू मोहसिन तारिक, ऐसा ही है। अच्छा जी, हाँ जी, सवाल किन का था कमेंट में, अब आप लिख लें जल्दी से, फिर अगर कोई कॉलर हुआ तो फिर नहीं कमेंट्स की तरफ टाइम मिलेगा पढ़ने का मुझे। और जनाब, अच्छा जी, किधर चले गए आमिर भाई? वो आते हैं अभी। अच्छा ओके, शेख साहब मैंने कह रहा था, मैंने तो मुईन अल मैदी टीवी वाले को भी लिंक भेजा था आज। वो आके सुनता है लेकिन वो मतलब अपने उससे नहीं आता, वो जाके घर पे वीडियो बनाएगा। ये सारे ही सुनते हैं बशीर भाई, ये सारे सुन रहे होते हैं बैठ के, छुप आप ना छुपा के भी वीडियो भेजो सुन तो रहे वो आ होते हैं। जाती है, मुझे पता है। आप मेरी बात सुने, आप ना भेजें, आप बेशक लिंक ना भेजें, सबने सब्सक्राइब करके बेल आइकन बिना मेरे कहे प्रेस किया हुआ है इन्होंने। शेख साहब लाफो माफ। वो अंदरों बहुत नाराज है, वो कहना भी मेनू साल नहीं याद कि 53 था और 74 था। वो कहता है कि मुसलमानों ने उसकी फैमिली की दुकान को सार दिया था और यही उसका मसला है, ता ही वो इतना नाराज है और कोशिश कर रहा है बात करने की, क्योंकि उसके अंदर और ज्यादा सारे एमडी हैं जिनमें यही मसला होता है। नहीं, इसमें खैर कोई शक नहीं है कि 74 में मतलब सबसे पहला जो अटैक हुआ था वो हमारे बिजनेस पे, हमारे मतलब आप कह लें कि हम पे हुआ, क्योंकि फैसलाबाद के लोग मुझे जानते थे, ये सारा कुछ है। लेकिन ये बात गलत है उसकी कि मुझे वो चीज है कि मैं वो लेके बैठूं। मैंने तो कभी उसका जिक्र भी नहीं किया, हालांकि अगर आप मलयालम साया साहब की वो पढ़े ना 74 की कार्रवाई की, तो उसमें बकायदा तौर पे जिक्र है, मतलब जहां पे वो राइट से जनाब आके फैसलाबाद खड़ी होती है, वहां से जब वो निकलते हैं सबसे पहले नाम, मतलब वो मेरा बकायदा तौर पे उस वक्त वालिद साहब ने मेरे नाम पे मतलब बनाया था, क्रीम एंड कंपनी के नाम से वो कारोबार पहले उनके अपने नाम से होता था, तो वो जिक्र है उसके अंदर सारा, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाशा वकल्ला मेरे दिल में वो चीज नहीं है, मैं तो सिलसिला ही और है उसके लिए, फिर मैं जो करता रहा हूँ सारा कुछ होता रहा है कि अगर ये चीज हो तो मेरी तो फिर मुसलमानों के खिलाफ होनी चाहिए थी, ना कि जमात के खिलाफ होनी चाहिए थी। Right. और मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ क्योंकि ये इन इंग्लिश वीड से दिस इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, यू नो कि जो जो एमडी होंगे ना ये बहुत इमोशनल होंगे ने कि हमारे साथ किसी ने ये बात की, फिर ये इनकी एनेक जो लगी होती है, इट्स द एमडी एमडी ग्लासेस एमडी लेंस, सो वो पूरी फिर दुनिया देखते हैं थ्रू द एमडी लेंस, वो ऐनी देखते आजादी तो जेरी एनेक होंगी।
ऑन टॉप ऑफ दैट अगर मेरे कोई पर्सनल ग्रजेज या कोई ऐसी चीजें हों तो मेरा तो मतलब इख्तलाफ निस्टी मैदी से, मैंने कभी उसका जिक्र भी नहीं किया। मेरा मतलब नो सच थिंग, वो बातें अपनी जगह पे, एक चीज थोड़ी देर के लिए वो है, बात अब प्रिंसिपल्स की आ गई हुई है। बात ये है कि इनकी बिलीफ्स क्या है, ये कोई पर्सनल नहीं है, बट ये सारे हमारे ऊपर पर्सनल अटैक्स भी करते हैं और ये पूरी बात पर्सनल लाया जाते ने और ये इतने नाराज होते ने कि असि मिर्जा साहब के बारे गल क्यों की थी, ऐ गल है समझ आई गल। ओके कमेंट में पूछ रहे हैं रियाज साहब, आई थिंक के एक शेख साहब, वेयर इज हानी ताहर दीस डेज? हानी ताहर इंग्लैंड में है आजकल, लेकिन वो अपना चूंकि काम करते हैं अरबी के अंदर सारा वो सिलसिला उल्टा, वो और इकरमा नजमी ये दोनों बिल्कुल कर रहे हैं। फेसबुक पे भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी आ रही है उसके। अच्छा शेख साहब, वो जो आपने मुझे ऑडियो भेजी, हाँ जी एक मिनट, वो जिहड़ी ऑडियो आपने मुझे अरबी में भेजी है, उसमें वो मेरे ख्याल से किसी ने आपको दुआया कलिमात जो है वो भेजे हैं। अच्छा। तो वो ये कह रहे हैं कि सबर करें जिस जो आपको लोग कहते हैं, वस्बिरु अला मा यकुलून, वो कहते हैं सबर करो जो लोग आपको ये ताने मारते हैं ना, ये बातें सुनाते हैं कि ये फलाना फलाना, उस पर आप सबर करें और उनको छोड़ दें, उनसे अलहदगी इख्तियार कर लें खूबसूरती के साथ जमीला, और उनको उनसे दूर हो जाएं, यानी अलहदगी इख्तियार कर लें उनसे दूर हो जाएं, और फिर एक वक्त मुद्दत तक इंतजार करें, अल्लाह आसानी करेगा। ये जी ये अल्फाज भेजें। अब ये साहब जो है ना, मैं आपसे अर्ज करूं कि इनकी अगर मैं प्रीवियस आपको सुना दूं तो वो जितनी मुझ पे लानते डाल रहे थे ना, तो मैंने भी जवाबन ये कहा था, मैंने कहा आप मेरे बड़े भाई हैं, बात ये है कि मैं आपके लिए हदायत ही मांगता हूँ। ये शख्स आप अंदाजा करें कि इसका कहना ये है कि तुमने ये जो बात की है कि मैंने छोड़ा है, तुमने नहीं छोड़ा बल्कि तुम्हें निकाला गया। तो मैंने इनसे ये कहा था पिछली मरतबा अगर याद हो, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे अभी वो मलक लाल खान जिंदा है, मतलब और लोग जिंदा हैं, आप उनसे पूछ सकते हो जाके। दूसरा ये है कि आप अपनी बयान को सही करने के लिए जमात से कम अज कम उस तारीख का, अभी ये लोग सिर्फ उनमें मिर्जा ताहर की डेथ हुई है, बाकी मतलब जो यहाँ के अहदेदार थे वो अभी जिंदा हैं और नसीम मैदी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो भी अभी जिंदा है, तो बेहतर है कि कल को फौत हो जाए, कह जी नहीं है असल जो था क्योंकि कहा तो मैंने उसको था, तो आप उनसे ये पता कर सकते हो, मुझे गलत साबित कर सकते हो इसमें मसला क्या है। तो लेकिन इनको ये सिर्फ होता है कि कोई छोड़ जाए तो इनकी इज्जत मौत का मसला है, ये समझते हैं बस हमारे पे पता नहीं कौन सी कोई जूती मार गया है, ये चीज हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये फिर भी उसका बाद में ऐलान करते हैं, बंदा पहले छोड़ दिया बाद में ऐलान करते हैं नहीं जी इसकी वजह से हमने खारिज कर दिया जी इसको। भाई आप जो मर्जी करते रहो लेकिन कोई ना कोई तो बात तो लेके आओगे ना। अब मादरत के साथ के मेरी बीवी आने से रही जो कि मुझसे अलहदा है, वो स्टेटमेंट दे सकती है कि भाई बात क्या कि मतलब इनके अपने बयानात क्या है इस चीज के बारे में, वो मेरे से अग्री नहीं करती लेकिन इस चीज के बारे में कि बाकायदा तौर के ऊपर कि ये मामलात क्या है। मेरा ख्याल है मैंने वो जब हमारी बात हुई थी अमर के वो जो वीडियो तीन एज गर्ल वाली जो यूके वाली हमने बात की थी जो यहाँ के मतलब नेशनल अमीर साहब ने, तो ये साहब जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से। मसला ये है कि असल में ये बेचारे लोग जो ये तबका होता है ना आम लोगों का, इनको पता नहीं होता कि ये जो रन कर रहे होते हैं, जो क्यादत होती है ना, इनके मामलात क्या होते हैं, इनकी सोच क्या होती है, इनका तरीकाकार क्या होता है, इनको इनसे ये वाकिफ नहीं होते। ये तो अपने इस चक्कर में होते हैं जी हजरत ईसा फौत हो गए हैं जी मिर्जा साहब सच्चे हैं बस जी आओ जी बहस कर लो जी आओ जी बात कर लो जी ये कर लो, वो इन चक्करों में ये लोग बेचारे इसी चक्करों में होते हैं, इनको किसी बात का नहीं पता कि ये कल्ट करके रहा है। ये सामने आ रही है ना बात,
ये है ना कल्ट का चेहरा, ये जो चीजें हैं ये हैं असल चीजें। चले आपके कॉलर आ गए, आपके कॉलर आ गए। चले जी, ये गालियों वाली सरकार जनाब, ये तशरीफ रखते हैं जनाब। नहीं, ये वही थे, वही थे। नहीं अच्छा। मेरे पास आ रहा है ना नाम उनका ओरिजिनल, वही हाफिज अकबर वही है। चले गए, मैं क्या करूं, मैं झूठ बोलूं इनको क्या करूं कि मैं कहूं कि जनाब मुझे पता नहीं है ये कौन है, वही है, वो आया है, वो अपनी हरकत करके तो वो चला गया। नहीं नहीं ये हाँ ये देखें, मैं यही फारूक भाई जैसे उनको लिया। नाज़रीन ये देखें आपके लिंक, मैंने मुझे इन्होंने पर्सनल पता क्या कहा है, मैं वो भी दिखा दूंगा, मुझे इनका मैसेज आया है कि आप ना लिंक दें, मैंने इनको भी दिया, मैंने नीचे भी फेंक दिया कि अगर नीचे इनको व्हाट्सएप नहीं देखते तो नीचे मिल जाए। मैंने नीचे कमेंट्स में भी लिंक दे दिया। क्या 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 बोलेंगे ये बेचारे, क्या बोलेंगे, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हुजूर, आप भी बस हुजूरे वाला, आपकी भी मासूमियत। सर मैं तो हकीकत ये बेचारे अपनी सेवा देने आए, बताइए मुझे। अच्छा चलिए मुझे बताइए, मुझे बताइए कि वो शायद हमारा ना टॉपिक डाइवर्ट करने के, वो यही करना चाह रहे थे कि हम लोगों का डाइवर्ट करें, बड़ी जबरदस्त हमारी बात। जी बशीर भाई। सो आप शेख साहब आप कह रहे थे कि इनको कुछ नहीं आता, आप बोथ यू आर वेरी एक्यूरेट। सो जरा मोइन अल मैदी टीवी वाला था, उन्होंने जाके किया कि क्योंकि मैं तो उन्होंने पूछता रहा मोहम्मदी बेगम के बारे, मैनू तो पता भी है ना इन्होंने कुछ नहीं आता, राइट। सो मैं उन्होंने कहा, उन्हें गलती नाल किया नहीं, जब उस उसकी शादी हो गई सी मिर्जा ने ओदे बारे लिखना छोड़ दिते सी। ओहो हो 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 कुछ नहीं आंदा, मेरा भी एक फैमिली का बंदा वे बस उस दे बारे कुछ कोशिश की समझाने दी, कोई किसी नु कोई समझ नहीं आई क्या की कह रहा, राइट। सो ए सारे एंड ने कुछ नहीं आता, खास तौर पर उन्होंने बारे च, तेरे दोस्त मोइन के बारे च, के मेरे नालों दो चार साल बड़े ने, मैं बड़ा एहतराम करना, अपार्ट फ्रॉम दैट के मैं जो भी समझते करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बेचारे हूँ जड़े ने ना, वो उन्हें याददाश्त और उन्होंने पता नहीं है कि गल की करते हैं, उन्होंने ये भी नहीं पता होंगे। तुम अंदाजा कर लो कि रिजम वो जरम कह रहे सन, बशीर भाई ने जो बात की है कि जी ये आमतौर पर जी वो मिर्जा साहब ने सुल्तान बेग के साथ शादी के बाद जो कुछ नहीं कहा, हकीकत यह है कि मिर्जा साहब ने अपनी मोहम्मदी बेगम की पेशीन को एक छह बड़े दावे किए हैं, उसमें जो जो थर्ड उसका जो यानी तीसरा हिस्सा है, अनस हाफ ऑफ दैट 50% ऑफ दैट प्रेडिक्शन इज रिलेटेड टू मोहम्मदी बेगम एंड सुल्तान। उसका ताल्लुक ही सुल्तान शादी के बाद के साथ है कि ये शादी करेगा, इसको ये इतने वक्त में मर जाएगा, उसके बाद उसकी बेवा होकर ये मेरे पास आएगी, दैट्स अ प्रेडिक्शन, वो प्रोविजन क्लॉज है। ये कैसे कह सकते हैं कि उसकी शादी के बाद बात नहीं की थी, उसकी शादी के बाद ही तो गेम शुरू हुई थी सारी की सारी। ऐसे उन्होंने कह रहे हैं कि और ये सारा शुरू हुआ था क्योंकि इसने कंपैरिजन की था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल आयशा की शादी नाल, तो मैं क्या है तू बड़ी गुस्ताखी की बड़ी गलती की थी, तो उन्होंने समझ नहीं आ रही कि किस तरह गलती है। फिर उन्हें जाके कहा नहीं, जब उसकी शादी हो गई सी और भुलिया कंप्यूटर दे जाके सेव इनफॉरमेशन दूजी दी इनफॉरमेशन देखी सी। ओके एनीवेज मिलजे ने अंजाम आतम दे विच
साफ लिखिया सी कि ओ मेरे को लाइक एज अ विडो एज अ बेवा यस एज अ विडो यस सो और उन्हें उन्हें गल छड़ी नहीं पूरा हक हकीकत वही तक 1907 तक कहना सी नहीं ओ और ओदा हस्बैंड उस जमाने च फौज में था जी जी ते फ्रांस के लिए भी लड़ने भी गए थे यस ऑन ऑन ना गोली लगी ओ गलती यू नो फौज में से लोग गलती ना भी मार जाने राइट कोई बंदा गड्डी दे थले आ गया यू नो किसी ने हार्ट अटैक हो गया ऐ हो गया बहुत चीजें होती हैं फौज में राइट उन्हें वो भी नहीं होया सो मोर्डेकाई या जी बिल्कुल बिल्कुल बशीर भाई नाज़रीन ये बशीर भाई ने जो बात की है बड़ी जबरदस्त कही है बड़ा प्यारा नुकता है बशीर भाई ने नाज़रीन उठाया कि एक तो ये है कि मोहम्मदी बेगम साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा मैं कहूंगा बहुत बड़ी वलिया थी वो अपने जमाने की कि वो इस प्रोपेगेंडा से और इनके जितने शदीद तरीके से इन्होंने तमाशा किया है उससे वो डरी नहीं बंदी वो डट के रही अपनी बात पे। अच्छा वो उसका जो खावन था सुल्तान बेग जो था वो फौज में गया था और फौज में जाकर लड़ा उसको गोली भी लगी मगर फिर बच गया। तो बशीर भाई ये कह रहे हैं फौज में तो राह चलते बंदा गोली से मर जाता है, अल्लाह ने उसको वहां बचा के मिर्जा साहब को जो है ना वो उस मशीन को में झूठा साबित किया, यानी इस लेवल तक झूठा साबित हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। सो फॉर एग्जांपल मैं था एयरफोर्स में, हम बहुत पीछे हैं जिथे लड़ाई हो रही असी उथे नहीं है, असी ते कोई 1000 मील पीछे हैं जिथे जहाज ने समझ आई जेरी आर्मी होती है वो ते नजदीक होते ने एग्जैक्टली जबरदस्त पॉइंट। और सुने मोहम्मदी बेगम इतनी अच्छी थी और उन्होंने मिर्जा साहब को मैं जी उन्होंने अहमदिया ने ओदे पुत्रा नु पैसा दिते कि तुसी अहमदी हो जाओ, उन्होंने बहुत कुछ की, उन्होंने किया चलो पैसे दे देवो ते ओ एवें यू नो दो तीन अहमदी हो गए, उन्होंने फिर छोड़ दी हुई सी पर उन्होंने you know it's guaranteed on an Muhammadi begum nu lakh sa paisa offer kiya hoega ye tu tu bas amdi ho ja tenu pata bhi nahi ki hai fir bhi ho ja aap agar thoda sa bashir gaur kare na to ek cheez aapko nazar aayegi matlab isme jo do ek pehlu hai wo gaur kare ki mirza ghulam ehmed ne jo ilzam इनके ऊपर लगाया हुआ है मतलब एम सईद बेग और मोहम्मदी बेग और इमाम दीन फैमिली के ऊपर, ये लोग दहरिया थे, रसूल करीम को बुरा भला कहते थे, ये वो दिस एंड दैट, सेम टाइम ये लोग मिर्जा गुलाम अहमद ने बकायदा तौर पे ये चीजें लिखी हुई हैं बशीर भाई मासूम आदमी है, उनकी हंसी निकल गई है, मुझे बता के लेना चाहिए था काल पे बात करें आप। तो मिर्जा साहब ने बकायदा तौर पे लिखा हुआ है, उनके मौजूद हैं खतूत वगैरह भी कि भाई मैं इसके मोहम्मदी के भाई को ये जॉब दिलवा दूंगा, फलां करवा दूंगा, इनको मैं अपनी जायदाद में से हिस्सा दे दूंगा, ये सारा कुछ हो जाएगा, सारा कुछ ये। अब इन चीजों का दीन के साथ क्या ताल्लुक, नंबर एक। नंबर दो, जो मुखालफ दीन थे, कुरान हमें ये बताता है कि मुखालफ दीन अल्लाह के रसूल को इस तरह की लालचें देते रहे कि तू आ तेरे को खूबसूरत औरत दे देते हैं, माल दे देते हैं, तुझे जो ताकत चाहिए वो दे देते हैं, लेकिन ये जो तू मैसेज दे रहा है ना इसको छोड़ दे। और यहाँ पे उसके बिल मुकाबल यहाँ पे अगर आप देखें दो अपोजिट, मतलब कोई अकल की और का मतलब बात बनती नहीं है। लेकिन आप किन लोगों की, ये जो हमारे मौजूदा एमडी आपस में पढ़े लिखे, ये अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं, अपने आप को वकील कहते हैं, अपने आप को बड़े आला नसब के कहते हैं, उनकी जहालत का आलम यह है कि वो जो तावीलें जिस तरह की जो पेश कर रहे हैं कि ये चीज है ये चीज है, बंदा इनसे पूछे कि बात सुनो, जब एक चीज है ही गैर हकीकी जिसका हकीकत के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, एक चीज जो है इस तारा के रंग में मेटाफोरिकल है, मतलब
आप साये से क्या लोगे, साया आपको क्या देगा, मतलब कॉमन सेंस यूज करें ये पढ़े लिखे। लेकिन यकीन करें जो मजहब होता है ये मत मार देता है, ये अकल मार देता है, इनकी रवश जानवरों जैसी हो जाती है कि ये ऊपर गर्दन उठा के नहीं देखते, मीनिंग कि ये दिमाग से जो अल्लाह ने अता किया ना उससे नहीं सोचते। हाँ, ये एक रवश ऐसी। मेरा एक सवाल है, अच्छा जब क्योंकि जी ये सारा मोहम्मदी बेगम का मसला शुरू हुआ था जमीन के बारे राइट, कि किसकी जमीन थी इन द बैलेंस। वो इस्लाम में जे कोई बंदा फोत होवे ओ ते सारा सारा लिखे आवे, कोई नेगोशिएशन नहीं होता। और मिर्जा कह रहा कि नहीं तू मैं जो ओ ते कह रहा सी ओ ते सारे were they following the Islamic laws on inheritance? I guess that's my question. Yes, very well sir. Shaikh sahab, मैं ये पॉइंट उठाने लगा था। two-third जो होता है ना आपका, जो जिसको सुलस कहते हैं, अगर किसी को इल्मुल मीरास का पता है, जिसको इनहेरिटेंस की स्टडी कहते हैं कुरान के अंदर या दीन इस्लाम में, उसके मुताबिक मिर्जा साहब ने गैर इस्लामी जो है ना वो प्रमोशन प्रपोजल वहां पर रखा था। ये दे ही नहीं सकते, किसी तौर पर भी दे नहीं सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान ने मना किया हुआ है कि कोई जाने वाला जो है अपने तरके के अंदर से जो सुलुस है उससे ऊपर जा सके, दे सके किसी को हदिया के तौर पर दे सके, कुरान ने क्रिस्टल क्लियर कहा है। जी जी, कुरान में बिल्कुल कहा हुआ है। अच्छा शेख साहब, एक और चीज मैं इससे पहले के दूसरी तरफ जाए, वो ये है कि सनाउल्ला अमृतसरी साहब जो हैं, अबुल वफा साहब, इनकी एक डिबेट हुई गुजरांवाला के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1922 की बात है। उसमें जो है ना ये मोहम्मदी बेगम की पेशींगोई के ऊपर, बशीर भाई बड़ी मजे की बात सुनने वाली है, अच्छा बड़ी मजे की बात है। अच्छा वो डिबेट हुई, तो उस डिबेट में ना वो मुरब्बी था, उसने नई दूर की कौड़ी लेके आया वो मोहम्मदी बेगम की पेशींगोई के ऊपर। तो वो जिस तरह अमृतसरी साहब कहा करते थे कि ना पैरवी ये कैस ना फरहाद करेंगे, ना पैरवी ये कैस ना फरहाद करेंगे, हम तर्ज जुनू और ही ईजाद करेंगे, नए ड्रामा करेंगे। तो वो मुरब्बी साहब ने नया ड्रामा कर दिया। वो कहते हैं देखे मिर्जा साहब की पेशींगोई पूरी हुई है। किस तरह पूरी हुई है? वो मुझे ख्वाब आया है, वो कोई इल्हाम आया है, पता चला है जी ऊपर फरिश्तों ने निकाह पढ़ाया है मिर्जा साहब और मोहम्मदी बेगम का, आसमानों में निकाह हो गया हुआ है। ले तो सनाउल्ला अमृतसरी साहब ने उस पर भी पकड़ लिया, उन्होंने कहा उन्होंने कहा प्रेडिक्शन के अल्फाज हैं कि सुल्तान बेग की बेवा होकर मेरे निकाह में इस दुनिया में आएगी, ये नहीं कि आसमानों में आएगी, पेशींगोई तो ये है। अच्छा एक ये तावील पेश की, दूसरी तावील बशीर भाई ये पेश करते हैं, और जो कि मैंने एक एक प्रोग्राम माइक म्यूट रखे हैं सर। अच्छा वो एक और शेख साहब, एक और प्रोग्राम में मैंने देखा कि मोहम्मदी बेगम के ऊपर बात कर रहे थे, उसमें एक मुरब्बी साहब कहते हैं जी बिल्कुल पेशींगोई पूरी हो गई है। कैसे पूरी हुई है जी? कहते हैं मोहम्मदी बेगम की जो पेशींगोई थी वो मोहम्मदी बेगम के खानदान और कौम के बारे में की गई थी, तो उसकी कौम में से या मोहम्मदी बेगम की नस्ल में से एक लड़की होगी जिसकी शादी मिर्जा की फैमिली से होगी, तो ये पेशींगोई पूरी होनी थी। इस तरह ड्रामे करते हैं। और इनके ये है कि एक पेशींगोई कई कई मरतबा पूरी हो सकती है, इसकी कोई जरा घर का सिलसिला है, जो मर्जी करे कारोबार अपना है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चले गए आपके दोस्त, चले गए किसके? नहीं किसके दोस्त शेख साहब? फारूक के। खुदाया यार, नहीं वो चले गए ऐसे दोस्तों से अल्लाह अल्लाह मुझे कोई अकलमंद दुश्मन अता कर दे, ऐसे दोस्तों से अल्लाह को अकलमंद दुश्मन अता कर दे। एक और बात मोहम्मदी बेगम के बारे कि जब जब मिर्जा फौत हो गया था, नूरुद्दीन ने इन द रिव्यू ऑफ रिलीजन्स आई थिंक उन्हें एस प्रॉब्लम के बारे कोई सोल्यूशन दी, तो उन्हें कहा नहीं उसकी कोई कोई बच्चा और बेटा मिर्जे दे बच्चे और बेटे ना किसी की शादी जी 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 भी नहीं हुई। ठीक नवीद साहब मौजूद है हमारे साथ, वापस आए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। सर एक बात कर ले तो ये पेशींगोई के हवाले से ऐसे ही नहीं, वो अमृतसरी साहब कहते थे, वो कहते थे कि जो भी आरजू है उसका नतीजा है इनफाल, जो भी आरजू है उसका नतीजा है इनफाल, अब यही आरजू है कि कोई आरजू ना रहे। वो कहते हैं जो मिर्जा साहब जो ख्वाहिश करते थे ना कि ये होगा वो नहीं होता था, उसके उल्टा ही हो जाता था। अच्छा उन्होंने कहा जी ये मेरा बेटा जो पैदा हुआ मुस्लिम मौत होगा, वो फौत हो गया, अगले का क्या, वो भी फौत हो गया, मिर्जा साहब ने कहना ही छाड़ दिया, उन्होंने कहा जिसको मुस्लिम मौत कहते हैं वही फौत हो जाता है। वो फिर जब वो बाद में आने वालों ने खुद को ही कहना शुरू कर दिया, वो अभी तक ये रोला पड़ा हुआ। खैर बहरहाल आप नवीद भाई को ले।
जी नवीद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा आ गया हूँ, अगर ओपन टॉक हुई है तो मैं आमिर भाई से कोई सवाल कर सकता हूँ? जी जरूर करें। अच्छा, मैं ये एक सीरीज शुरू की है जावेद अहमद गांधी साहब ने, और पहली सीरीज के अंदर उन्होंने महदी के ऊपर प्रोग्राम किया है, और दूसरी सीरीज के अंदर नजूल मसीह के प्रोग्राम वो कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी। महदी का जो प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है, उन्होंने उन पे उनका ये कहना है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल जो किया, वो किया खुलफाए राशिदीन के लिए, खुलफाए राशिदीन वल महदीन, यानी पहला महदी जो है वो खुलफाए राशिदीन को कहा। और गांधी साहब का कहना यह है कि मेरे नज़दीक जो वो महदी हैं वो चौथे खलीफा जो हमारे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ना जो हैं, वो तीसरे खलीफा जो हैं वो महदी थे। और उनका कहना यह है कि वो एक बादशाह के बारे में सिर्फ क्या कहते हैं पेशिंगुई दी गई है, ना कि कोई मामूर में अल्लाह आएगा, क्योंकि ये हदीस से साथ नहीं है, ये उससे बिल्कुल हट के। तो इसमें आमिर भाई आप क्या कहना चाहेंगे? यार वो सीरीज जो है उसका पहला हिस्सा, पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं, वो सीरीज जो है वो जावेद अहमद गांधी साहब की जो फिक्र पर एतराजात है ना, और जो दीन जी की जी। ताबीर उन्होंने पेश की है उसके ऊपर जो एतराजात हैं, 23 बड़े सवालात हैं, उनके जवाबात उन्होंने दिए देने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसमें सूद भी है, दाढ़ी है, पर्दा है, फितरत है, हदीस की हुज्जियत है, और उसके अलावा से फिर अब वो नजूल मसीह का, मेहदी मऊद का हो गया है, मेहदी ज़ुहूर मेहदी का जो है मेहदी का, उसमें अब नजूल मसीह की दूसरी एपिसोड आने वाली है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। जो उन्होंने ज़ुहूर मेहदी के या मेहदी के हवाले से बात की है, वो ये कहते हैं कि जितनी हदीसें मैं पढ़ता हूँ, वो कहते हैं कि 10 ऐसी अहादीस हैं जो कि निचोड़ कर निकाली जाएं तो वो सनदन भी ठीक है, मतनन भी ठीक है, दैतन भी ठीक है। और उन्होंने किताब का हवाला दिया है जो कि ये मदीना यूनिवर्सिटी के वो फाजिल उस्ताद हैं, उसूल हदीस पर उन्होंने ये सारी हदीसें, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए नवीद भाई, वो शोर आ रहा है। अच्छा, उस पर उन्होंने वो 10 रवायतें इकट्ठी कर ली हैं, ये 10 रवायतें हमने इकट्ठी की हैं। अब वो जो उन 10 रवायतों का जो नक्शा खींच रहे हैं ना, उसमें वो ये बाबर कराने की कोशिश कर रहे हैं जावेद अहमद गांधी साहब कि ऐसा इन फ्यूचर कोई बंदा पैदा होगा, कहते मुझे इससे इनकार नहीं कि होगा, हो गया हो, मुमकिन है हो गया हो पहले, या हो सकता है इन फ्यूचर हो। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रैंडम जो है वो किसी खलीफा या किसी हुक्मरान या किसी हाकिम के बारे में बात की थी कि जो बादशाह होगा वो आदिल होगा, वो बांटेगा खजाना, गिनेगा नहीं, और अमन हो जाएगा, और ये सारी बातें वो करते हैं। तो वो कहते हैं कि इससे रिलेटेड है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब ये सारी बात अगर आप इसको इमाम महदी को एज अ पर्सन, एक आप ये समझे कि उनको हजरत ईसा अलैहि सलाम के साथ जो जो मुतमस्सिक और मुरक्कब शख्सियत मानकर ना चलें और एक अलहदा समझें, तो जावेद अहमद गांधी साहब की ताबीर ठीक है। उसकी वजह मैं आपको बता, उसकी वजह ये है कि इमाम महदी होने का जो एहतमाल है या जो गुमान है, ये बहुत पहले लोगों पर गुजरता रहा है, दावे के बगैर बता रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पर उमर बिन अब्दुल अजीज जो हैं, उनके बारे में बाज लोग कहते थे ये इमाम महदी हैं, बाज ने इमाम अहमद इब्ने हम्बल के बारे में गुमान किया, ठीक, अहमद इब्ने हम्बल के बारे में भी लोगों ने गुमान किया इमाम है। यानी इस तरह के अगर गुमान पर बात करें या मिलती जुलती चीजों पर बात करें जो जवाहर पर है, वो उन पर वो कर रहे थे। अच्छा, मगर एक चीज मैं बताता हूँ, मसला कहाँ से शुरू होता है इमाम महदी की शख्सियत को अगर आपने मानना ही है, अगर उन हदीस 10 को आपने लेना है, उस बंदे ने जो सामने बैठा जो कि जावेद अहमद गांधी साहब का दामाद है, ठीक है, उसने पूछा भी है कि फिर आप उस कॉन्सेप्ट का क्या करेंगे कि जब इमाम महदी का जहूर होगा, हजरत ईसा अलैहि सलाम का नुजूल, अब ये इतनी जबरदस्त तरीके से अहदीस ने इस चीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखा हुआ है कि ये एक अकीदा दूसरे अकीदे का सपोर्टिव है। यानी जो इमाम महदी के अकीदे का इनकार करके करेगा या मानेगा, उसको नजूल मसीह भी मानना है, और जो नजूल मसीह को मानेगा उसको इमाम महदी के अकीदे को भी मानना है। उसकी वजह यह है कि सुनन तिर्मिजी में, जिसको उन्होंने जिक्र भी किया है, अथेंटिक रवायात हैं जिसमें लिखा हुआ है जिस तरतीब के साथ कि इमाम महदी जो है वो जब आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा,
और वो फिर आगे बढ़कर कहेंगे, उसको जावेद अहमद गांधी साहब स्किप कर गए हैं। वो कहते हैं कि मैं बाद में बताऊंगा, अभी तक मैं उन्होंने नहीं बताया उस चीज को कि वो जो इमामत का है वो आएंगे, यानी हजरत ईसा अलैहि सलाम जो है वो कहेंगे आप आगे हो जाए। तो जावेद अहमद गांधी साहब जो है उन्होंने उसको हर इमाम पर ले लिया, मतलब वो ये कहते हैं कि ये तो हम हर दूसरे मोहल्ले के अंदर देखते हैं कि जी वो आप आगे, आप मतलब एक नॉर्मल बंदा जाता है मस्जिद के अंदर तो इमाम एहतरामन कहता है कि सर आप जमात कराएं, तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं आप कराएं, आपका एहतराम ज्यादा है। कहते हैं जी वो इस तरह होगा बस, नॉर्मल कोई इमाम होगा। अब ये जिद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सीधी बात है। उसकी वजह यह है हमारे यहाँ ना एक एक्सट्रीम रवैया होता है दोनों तरफ, हम बैलेंस नहीं कर पाते चीजों को। जिन्होंने इमाम महदी का इनकार किया या नजूल मसीह का इनकार किया ना, वो एक एक्सट्रीम पर चले गए, और जिन्होंने इकरार किया वो एक एक्सट्रीम पर चले गए, क्योंकि उन्होंने फिर रतब व याबिस इकट्ठा कर लिया, जो कूड़ कबाड़ उन्होंने इन अकीदे के बारे में इकट्ठा कर लिया। सीधी बात, ये करेंगे अच्छा महदी से जी रान पर हाथ मारेंगे, इमाम महदी थोड़े से तोतले होंगे, ठीक है उनकी एक आंख ऐसी होगी, एक ऐसी होगी, ऊपर से यानी अजीबो गरीब किस्म की चीजें पर जोड़ दी। मैं अब जो बात करने लगा वो बैलेंस ये कहने लगा कि एक्सट्रीम एक रिएक्शन हुआ है इन उलमा की तरफ से या मजहबी तबके के नतीजे में, कि जिन्होंने फिर ये इनकार करना शुरू कर दिया कि जी ऐसी कोई शख्सियत ही नहीं है, और उन अहदीस का इनकार करना शुरू कर दिया या उस अकीदे का इनकार करना शुरू कर दिया। ये एक रवैये के तौर पर आया। यही वजह है कि जावेद अहमद गजामती साहब जब इस अकीदे को बयान कर रहे होते हैं तो महसूस होता है कि जैसे वो उस मजहबी तबके के एक्सट्रीम रवैये के रिएक्शन में एक्सट्रीम रवैये पर चले गए। यानी एक रवैया है मजहबी तबके का कि इमाम महदी आएंगे, इमाम ईसा बिन मरियम आएंगे, तो उस तबके का जो गुलव है ना, यानी ज़ईफ और मौज़ू रवायात भी उस अकीदे के लिए सपोर्टिव ले आए हैं, इकट्ठा कर दिया जो भी आया और उसको तवातर कहना शुरू कर दिया, तो उसके रिएक्शन में फिर ये अकीदा आ गया है कि नहीं नहीं इमाम महदी का तो तसव्वुर ही नहीं है। हालांकि बीच में बैलेंस होना चाहिए था, बैलेंस ही होना चाहिए था कि जो अथेंटिसिटी के साथ चीज साबित है और जो अल्फाज और जो मतन मुताबकत रखता है उसको मान लिया जाए, इतनी सी बात थी। अब मैं आता हूं बैलेंस की तरफ। ये जो मैंने बैलेंस किया ना बात, ये क्या है बैलेंस असल में, इससे मुझसे लोग बड़े खफा होंगे। मैं इमाम महदी हैं या ईसा बिन मरियम है, इनके अकीदे को उस ईमानियात के दर्जे में नहीं समझता कि जिससे इंसान काफर होता है या मुसलमान होता है। ये मैं आपको बता दूं, ये मुझसे कई लोग मुखालफत करेंगे, ये मैं ऑनलाइन कह रहा हूं बात, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नवाकज इस्लाम जो है ना, नवाकज इस्लाम यानी इस्लाम के दायरे से किसी का खारिज हो जाना, निकल जाना, ये उलमा ने बयान किए हुए हैं। उसमें से किसी जगह भी ये दो अकीदों को नवाकज इस्लाम नहीं कहा हुआ, निकाल कर दिखा दे मुस्तनद, यानी उलमा का इजमा हो इसके ऊपर, ठीक है ना जी। ये मैं कह रहा हूं, तो जो है ना किसी अकीदे के ना मानने से इस्लाम के खारिज होने का मसला, ये बहुत कतई मसला होना चाहिए। अच्छा फिर एक दूसरा मसला आता है कि कुछ लोग हैं वो एक्सट्रीम रवैया इनकार करते हैं, कुछ तावील करते हैं। जावेद अहमद गांधी साहब ने तावील की है, इसी तरीके से कई लोग थे वो इस अकीदे की तावील करते थे। तो तावील की बुनियाद के ऊपर मैं कैसे कह सकता हूँ? मैंने कई लोगों को ये नवीद भाई माजरत, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ ताकि मैं इसके हर पहलू के ऊपर गुफ्तगू करूँ, क्योंकि फिर मुझे पता है ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का टॉपिक है तो लोग बात निकल ना जाए, तो इसको पूरा मैं कंप्लीट करूँ, पहलू रहे ना। अच्छा मैंने कई लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर बात करते देखा है कि वो जनाब उनको उनको मसले का पता ही नहीं है कि कोई बंदा किसी चीज के वजूद का इनकार कर रहा है या उस मफहूम का इनकार कर रहा है जो आप खींच रहे हैं उससे। यानी मिसाल के तौर पर गुलाम अहमद कादियानी साहब के मानने वाले सिलसिला जमात अहमदिया के जो लोग हैं वो खातम नबीन आयत से ही नबूवत के जारी होने का इस्तदलाल कर रहे होते हैं, याद रखें, वो इसी आयत से कह रहे होते हैं कि नबूवत जारी है। कहते हैं कैसे? कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लग के नबूवत जारी है, यही वर्ड होता है खातम नबीन, मगर इस्तदलाल से हमारा इख्तलाफ है। और यही वर्ड है जहां से हम खत्मियत का अकीदा लेते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत और रसालत खत्म हो चुकी हुई है। इसका मतलब यह है कि दलील अपना वजूद रख रही है मगर इस्तदलाल बातिल है। इसी तरीके से बाज अकायद के अंदर लोग दलील को मानने के बावजूद उसका जो मफहूम और तशरीह ले रहे हैं वो तावील बातिल होती है। क्या इस बुनियाद के ऊपर भी मैं काफर करार दूंगा? अगर इसका जवाब हां में देंगे तो फिर बचेगा कोई भी नहीं, बचेगा कोई भी नहीं।
इसको कहते हैं ताबीर की गलती। हमें बाजू का ताबीर की गलती रखती है, हम बाज का एक एक माइंड सेट से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, हम फिर हर पैराए में उस चीज को देखते हैं। बहरहाल ये बात, मेरा कहने का मकसद ये था कि इस तरीके से चीज को देखें। जावेद अहमद गांधी साहब ने जो बात की है, हकीकत ये है कि वो मजहबी तबके के इन दोनों अकायद में एक्सट्रीम रवैयों का रिएक्शन है, बैलेंस नहीं है, और उन्होंने तावील की है। और मदरत के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि जावेद अहमद गांधी साहब ने मजहका खेज किस्म की तावील। अब मुझे ये बताएं, वो मान तो रहे हैं, कहते हैं जी इस किस्म का हो सकता है बंदा पैदा हो जाए तो सो व्हाट। मैं ये कह रहा हूं कि वो कहते हैं जी अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है इस तरह का कोई आदमी पैदा हो जाए जिसका नाम मोहम्मद हो, वो बिन अब्दुल्ला भी हो, वो कुरैश से भी हो, वो फातिमी भी हो, और वो खुलकर मालवी, तो अल्लाह के लिए क्या इसमें क्या मुश्किल है, क्या ताज्जुब है। तो मैं जावेद अहमद गांधी साहब को पूछता हूँ कि जब आप इमकान का इकरार कर रहे हैं तो इसमें क्या मुश्किल है कि अल्लाह एक ऐसे शख्स को पैदा करे जिसके पास अल्लाह ताला ताकत दे, उसके अंदर करिश्मा रखे, मसला क्या है। मगर सिर्फ मैंने इमकान के ऊपर ही गेम चलानी है तो इमकान के ऊपर तो इमाम महदी आ सकते हैं, मसला क्या है। तो उनकी दलील बड़ी कमजोर है, तावील के ऊपर खड़ी है और वह तावील ठीक नहीं है हजरत के साथ, वो रिएक्शनरी तावील है, बैलेंस तावील नहीं है। बाकी नज़ूले मसीह का मैं देखूंगा, तो उसके ऊपर मेरा इरादा था, मैं बात करूंगा। फारूक किधर है? हेलो जी जी जी, इसका मतलब ये हुआ आमिर भाई कि आमंतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही व बिल यौमिल आखिर, जिसने ये कह दिया उसके बाद अगर वो इस चीज को मानता है या नहीं मानता उसके ईमान में कोई फर्क नहीं आता, जिसको हम बचपन में ईमान मुफस्सिल कहा करते थे जो मैंने पढ़ के सुनाया अभी, तो ये ईमानियात में आ गया। तो उसके बाद ये वो कम अज कम इससे फतवा नहीं लग सकता उसके ऊपर, आप आउट हैं। ये मैं आखिरी बात पूछना जाना चाहूंगा। हाँ, नवीद भाई मैं ये दोबारा इसको मैं अप्रोप्रिएट करता हूँ, देखिये ये इनकम्प्लीट है। यानी ये चीज कहना कि जो ईमान, ये जावेद अहमद गांधी साहब भी वैसे उसको मुकम्मल नहीं कहते। लॉजिकली आपको जब कोई चीज डेफिनेशन बयान करनी है ना किसी चीज की, उसको हद ताम होना चाहिए, यानी कंप्लीट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, वगरना उसके अंदर से कोई उचक के ले जाएगा। जब आप कानून बनाते हैं तो आप उसको अप्रोप्रिएट बनाते हैं, बड़ा उसको ये समझे कि हर तरह से उसको फ्लॉलेस बनाने की कोशिश करते हैं, कोई लूप होल ना हो। अकीदा इस तरीके से होता है, उसमें लूप होल नहीं होता, कतईयत होती है। अच्छा, अब जो मैं बात करने को, ये एक तो ये है कि वो ईमानियात में से हो, दूसरा ये है कि नबाकज़े इस्लाम ना हो जाए। मिसाल के तौर पर एक बंदा ये कहता है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के रसूल को मानता हूँ, नमाजें मानता हूँ, किताबें मानता हूँ, क़यामत को मानता हूँ, मगर किसी वक्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का दानिशता तौर पर इत्तकाब कर लेता है, हम उसको इस्लाम से खारिज मानेंगे, तौबा पेश करेंगे, नहीं करता इस्लाम से खारिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने नवाकज इस्लाम का इरतकाब किया है, उस चीज का उस जुर्म का इरतकाब किया है जिससे वो इस्लाम से खारिज हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ आप आ जाएं, मिसाल के तौर पर वो अल्लाह को मानता है, अल्लाह के रसूल पर, ईमान की बात कर रहा हूं, अल्लाह की ईमान रखता है, रसूल पर ईमान रखता है, इन सब चीजों पर ईमान रखता है, जो छह ईमानियात है ये मैं आपको बताता हूँ, टोटल 11 चीजें हैं, आसान लफ्जों में समझना अगर आपने, टोटल 11 चीजें हैं, 6 ईमानियात हैं और 5 वो आमाल हैं जो जवाहिर से ताल्लुक रखते हैं। 6 ईमान कौन से हैं? अल्लाह, रसूल, कुतुब, फरिश्ते, कयामत का दिन, 5 हो गई, और कदर खैर व शर, ये 6 हैं ईमानियात, और 5 जिनको जवाहिर आमाल कहते हैं, मिसाल के तौर पर शहादत है। सॉरी आमिर, ये जो छठी है ये है कुरान के अंदर, उसमें छठी जो छड़ी जो है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब 5 मतलब ये छठी कब शामिल की गई? जी जी, छठी उस जगह पर शामिल नहीं है, मगर एक और जगह पर है, एक और जगह पर है, और फिर हदीस मिलती है इसमें, हदीस में एक जगह पर बयान किया गया, मिसाल के तौर पर जिसको हदीस जिब्रील कहते हैं बुखारी शरीफ के अंदर, उसमें पूछा गया कि मल ईमान, ईमान क्या है, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतो उमना बिल्लाही व मलाइकतिही व बिकुतुबिही व रुसुलिही व यौमिल आखिरी वल कदरी खैरिही व शर्री। ये बुखारी शरीफ में 6 ईमानियात हैं और कुरान से सपोर्टिव हैं, कुरान की मुतद्दद आयात मिलती हैं जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह के अल्लाह ने पहले ना लिख दी हो, ठीक है, और इस तरह के बड़े अकायदे, यानी अल्लाह की कुदरत की जो सिफत है उसको मानना, उस पर ईमान लाना, यानी अल्लाह की सिफात पर ईमान लाना। तो बाकी 5 जो हैं उनमें है, वो भी बुखारी शरीफ के, बुनी अल इस्लामु अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। अब ये मैं आपको बड़ी शेख साहब बड़ी मजे की बात बताने लगा हूँ,
कादियानी हो सकता है इसको कहें कि अच्छा जी बड़ी उसको उचकने की बात करें। नवीद भाई आप सुन रहे हैं, जरा तवज्जो रखिएगा, मैं आपको समझाने लगा हूं। जी जी बहुत जरूरी बात कर रहे हैं आप। जी 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 जी, जी बहुत, मैं क्योंकि चाह रहा हूँ कम अज कम आप सुने, दूसरे नाजरीन जिनको शौक हो सके। ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि ईमानियात और इस्लामियात और नवाकज इस्लाम ये आपस में मुकम्मल होंगे तब ही आप कह सकते हो कि ये बंदा इस्लाम से खारिज होता है कि नहीं होता। अच्छा देखिए, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, बुनियाद इस्लाम की पांच चीजों पर है। शहादतैन, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, अल्लाह एक है उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी, ठीक है जी। वस्सलात, नमाजें, ठीक है, पांच जिसकी डिटेल, यानी नमाज। वस्सौम, वस्ज़कात, वल हज मन इस्तता इलैही सबीला। तो हो गए दो शहादतें हो गई, नमाज हो गई, रोजा हो गया, ज़कात हो गई और हज हो गई, ये पांच चीजें। अब कोई बंदा इन 11 चीजों में से किसी का इनकार कर देगा ना, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। किसी का इनकार कर देगा वो खारिज हो जाएगा, और ये कुरान की आयतों से इन चीजों को साबित किया जा सकता है। ये वो चीजें हैं जो ईमानियात और इस्लामियात से ताल्लुक रखती हैं। अब आ जाता है नवाकिस के ऊपर, जैसे मैंने एक दो मिसालें दे दी, मगर यहां मैं एक बात बयान करने लगूं जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कुरान का बहुत इल्म था, बहुत बड़े स्कॉलर थे। शेख साहब जिहाद शुरू हुआ ना, जब जिहाद शुरू हुआ तो उनके पास एक बंदा आया, तो उनको ये मुस्लिम शरीफ के अंदर और बुखारी शरीफ के अंदर ये रवायतें मौजूद हैं। मैं हवाई फायर नहीं कर रहा, मैं बताने लगा हूं कि अगर आप ये कहेंगे ना कि इनसे बाहर कोई चीज किसी का इनकार करेगा तो वो काफर हो जाएगा, तो ये जरा कॉल सुन लें। अच्छा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास एक साहबी आए, आगे कहते हैं अब्दुल्ला लोगों को जो है वो जिहाद का हुक्म दिया जा रहा है और तुम जिहाद करने नहीं जाते, क्या तुम जिहाद को नहीं मानते? अब ये कादियानी के कान खड़े हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। मैं कहा क्या जिहाद को नहीं मानते? उन्होंने आगे से पता क्या, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उन्होंने ये हदीस सुनाई, कहते हैं बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम पांच चीजों पर खड़ा है, बताओ मुझे मैं इन पांच चीजों का इनकार करता हूं? उन्होंने कहा नहीं, तो कहते हैं मैं तो इस्लाम में खड़ा हूं। ये है हकीकत, असल में दीन इस्लाम वही है और दीन इस्लाम से निकलने का वही तरीकाकार है जो है। अब नवाकज इस्लाम क्या है? कोई बंदा ये छह चीजों पर ईमान भी रखता हो और पांच अमल भी करता हो, उसके बाद वो कहना शुरू कर दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो गुस्ताखी कर देता है, शायर इस्लाम की गुस्ताखी कर देता है, किसी मुसलमान को कत्ल कर देता है, कोई ऐसा काम, ये स्टेट के खिलाफ बगावत कर देता है, खुरूज कर देता है, तो ये वो अमल हैं जो नवाकज इस्लाम हैं, जिनको कहा जाता है कि ये दीन इस्लाम से आपको खारिज कर देते हैं। बस इतनी सी बात है, मैंने अपने आप मौका को क्लियर कर दिया। अगर कोई, हाँ मैं ये भी चीज रखता हूं कि अगर कोई मुझ पर दलील से ये वाजे कर दे, मैं ऑनलाइन ये बात भी कर दूं ताकि मुकम्मल हो जाए, अगर कोई दलील से मुझ पर ये बात वाजे कर दे कि भाई ये अकीदे जो हैं ये भी नवाकज इस्लाम में शामिल हैं, तो मुझे मानने में कोई इनकार नहीं। कोई ऐसी बात, अपनी अपनी सर्च की बात, अपनी अपनी तौफीक की बात है, मैं उसको मान लूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, अब को ले आया जी वो हदीस का मुनकर जो है वो क्या, पहले मुझे वो माने तो सही, हदीस का मुनकर है। अच्छा फिर वो कहना शुरू कर देते हैं जी वो एक जो है ना वो 1,00,000 हदीसें हों और कोई उनमें से जो है ना वो 99,999 हदीसों को माने मगर एक का इनकार कर दे, तो क्या वो मुनकर हदीस होगा? तो सामने बैठने वाले सारे कहते हैं जी जी बिल्कुल मुनकर हदीस होगा। अच्छा ठीक हो गया, तो भाई इस तरह तो फिर हम आपको हदीसें दिखाएंगे जिनके आप ऐसे मुनकर हो कि ऐसा इनकार तो खुद मुनकर हदीस भी नहीं करते जिस तरह आप करते हैं। तो यानी इस तरह के फिर मामला तो उठने शुरू हो जाएंगे, मसला हल नहीं होगा। मैं जी बस मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था और मजीद बातें हो सकती हैं, मगर कॉलर एक हमारे साथ जुड़े हैं। शेख साहब अगर आप चाहें जी, आप बात करना चाह रहे हैं कुछ? ठीक है, अच्छा जी ये मुबशर साहब है, मुबशर साहब, अच्छा जी ये मुबशर साहब है, मुबशर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई, प्यारे भाई आप वही हैं कि जो अहमदी होने का दिल कर रहा है जिनका? सर प्यारे भाई आप वही हैं कि जो अहमदी ओ सर नहीं, अल्लाह माफ करे, दिल नहीं कर रहा था सर उस दिन, मेरे से मैं बात नहीं कर पा रहा था, मैं शेख साहब से बात करके इतना खुश था। ये सबको बाद में कॉल की थी, बताया था
आपकी आवाज बहुत लेट आ रही है। मैंने बताया था उन्हें कि वहां पे हमारे मतलब आपकी आवाज बहुत लेट आ रही है प्यारे भाई, रिपीट हो रहा है। रीज्वाइन करें प्यारे भाई, रीज्वाइन करें, वो सुनने वालों को भी इरिटेशन होती है। बिल्कुल आप आए वापस, आप बात कर सकते हैं। जी बशीर भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी जी, अच्छा आप बात कर रहे थे मेहंदी के बारे, मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग बात बतानी थी। मिर्जे नबी हुद 1901 में जब उसने नबूवत का दावा किया था एक गलती का इजाला में, वो कहता भी मेरे ग्रेट ग्रैंडमदर सैयद थे, उन्हें पहली दफा गल की थी। पहले जब उन्हें मसीह का दावा किया, उन्हें कहा मैं ला मैदी फी ईसा, राइट, पहले उन्हें ऐ गल की थी। मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर सैयद ने ते फातिमा तो आए होंगे। फिर हकीकत वही में उन्हें ओही गल की, बट जब वो फोत हो गया उससे 4 महीने बाद नूरुद्दीन ने ब्राहिमी अहमदिया वॉल्यूम 5 पब्लिश की थी। उसमें लिखा था कि सारे हदीस मेहदी के बारे ठीक नहीं ने, और फातिमा वाली भी उसमें मौजूद था। सो ये इस किस्म की गेम्स खेलता था हदीस के साथ, ये सारे नूरुद्दीन और अच्छा ये एक कमेंट आया, थैंक यू बशीर भाई, ये कमेंट आया, जरा मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखे जरा, क्या नसे कतई का काफ मुनकर काफिर नहीं है? बिल्कुल काफिर है, मगर उसके लिए नसे कतई को कतई साबित करना है, ठीक है ना। मसलन मैं कोई नस उठाऊं जो मेरे नजदीक कतई है, मगर मैं उसको कतई साबित ना कर सकूं, ठीक है ना। देखें किसी भी नस जो होता है ना, नसूस की अगर आपने बहस पढ़नी है तो इमाम शातबी ने अल मुवाफकात के अंदर बड़ी जबरदस्त बहस की हुई है कि नसे कतई क्या होती है, नसे जन्नी क्या होती है। कतई जो होती है वो दो तरह की कतई होती है, नसी और जो कतई और जन्नी होती है ये दो बुनियादों पर होती है, किसी दलील का कतई सबूत होना, फिर कतई दलाला होना, या किसी दलील का जन्नी सबूत होना और जन्नी दलाला होना। ये 4 किस्म की दलीलें बनती हैं। इमाम शातबी ने इसके ऊपर बहस की है। जब आप किसी नस को कतई कहते हैं, किसी नस को कतई कहते हैं, तो आपको उसको कतई सबूत और फिर कतियु दलाला साबित करना पड़ेगा, तब जाकर वो नस मजमुई तौर पर कतई होगी। उस कतई नस का इनकार कुफर होगा, ठीक हो गया, उसका पूरा सूर है। अब एक नस आप पेश करते हैं जो कतियु सबूत तो है मगर कतियु दलाला नहीं है, और आप उस नस के इनकार की बात कर दें। बेसिकली मैं इसका मतलब आपको समझा, वो ये है, मिसाल के तौर पर आप एक आयत पेश करते हैं जिस मिसाल के तौर पर नूरो बशर की आयत आमतौर पर पेश की जाती है, उसमें हमारे आमतौर पर जो आलू सुन्ना में जो बरेलवी दोस्त अहबाब हैं वो कहते हैं जी इससे मुराद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं। अच्छा, उसी आयत की दूसरी तशरीह कर रहे होते हैं हमारे दूसरे दोस्त अहबाब, वो कह रहे होते हैं कि जनाब ने ये इससे नूर हदायत मुराद है। ये दो चीजें, अब उन दोनों के मफहूम में इख्तलाफ हुआ है, दलील में नहीं। यानी दलील जन्नी दलाला है, कतियुस और जन्नी सबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरान की आयत है, कुरान की जितनी आयत हैं वो कतियुस सबूत हैं, यानी उनके हरफ हरफ के मिन जानिबिल्ला होने में कोई शक नहीं है। इसको कहते हैं कतियुस सबूत होना, किसी चीज का ऑथेंटिक हो जाना, लारैब हो जाना कि ये अल्लाह की तरफ से है, यानी हकीकत पर मबनी है, उसको कतियुस सबूत कहते हैं। मगर वो जन्नी कतियुस दलाला भी होगी, इसको साबित करने के लिए आपको इस्तदलाल दिखाना पड़ेगा। ये दो दोस्त पूछ रहे थे कि क्या नस कतई का इनकार कुफर नहीं है, मुनकर कुफर नहीं है? बिल्कुल काफिर है। अगर कुरान की आयत या सही उलसनाद अहदीस कतई दलाला भी हो और कतई सबूत, दोबारा मैंने क्यों उसको एक्सप्लेन किया, उसकी वजह यह है कि जितनी ये रवायतें पेश करते हैं उससे एक लफ्ज का मतलब कुछ निकल रहा है, दूसरे का कुछ मफहूम निकल रहा है। अब वो उस नस का तो इनकार नहीं कर रहा, वो उस मफहूम का, उस तावील का, उस ताबीर का इनकार कर रहा है। मैं उसको काफर कैसे कह दूं, इल्ला ये के वो जो ताबीर पेश कर रहा है उस पर मैं उसकी गलती वाजे ना कर दूं, और वो जानबूझकर ऐसे नहीं कर रहा।
مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو تعبیریں پیش کرتے تھے ان کے مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے, ان کی دلیلوں کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ انٹینشنلی جھوٹ بولتے تھے. ہم نے یہاں پر کتابوں ثابت کی ہے, پری ڈیٹرمن قسم کی سوچ تھی, حدیثیں پڑھتے یعنی حدیث پڑھنے سے پہلے اس کی تشریح ان کے ذہن میں بنائی ہوتی تھی, اور پھر حدیثوں کے اندر الفاظ ٹھوستے تھے, اس میں اضافے کرتے تھے, اس میں تحریف کرتے تھے. اب کوئی بندہ, یہ میں کھل کے بات کر دیتا ہوں تاکہ آپ, اب کوئی بندہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار اور امام مہدی کے ظہور کا اور ان کے آنے کا انکار حدیث کی تحریف کر کے کرے, تعویلیں کر کے کرے, میں اس کو کافر کہوں گا. بالکل وہ کافر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب نص قطعی ثابت ہو جائے, یہ یاد رکھے, تو قطعی ثبوت ہو اور قطعی دلالہ, یہ دو چیزیں جب قطعی ثابت ہو جائیں اس کا منکر کافر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا میرے پیارے بھائی؟ تو یہ سمجھیں, اس مسئلے کو اتنے آرام سے نہ سمجھیں آپ کہ میں اٹھ کے کہہ دوں جی جو نص قطعی تھا جو بھی منکر, جی قرآن کی ایک آیت کا, یار پتا تو کرو. وہ پتا نہیں وہ کیا سمجھتا اس چیز کو. امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کے پاس ایک بندہ ہے, میں امام ابو حنیفہ کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ زیادہ تر یہ شور حنفی ڈالتے ہیں. شیخ صاحب, امام ابو حنیفہ کے پاس ایک مسئلہ آیا. ایک بندے نے آ کے پوچھا, یہ امام رازی نے ایک اپنی تفسیر لکھی ہے مفاتیح الغیب, جس کو تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں, امام رازی, انہوں نے اس میں امام ابو حنیفہ کی جو فقاہت اور فصاحت ہے اس کے اوپر بڑے مسئلے بیان کیے ہیں. اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے آ کے کہا کہ جناب, ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جو جہنم ہے نا اس میں کافر کوئی بھی نہیں جائے گا. سب نے سر پکڑ لیا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعدت للکافرین, میں نے جہنم جو ہے اس کو تیار کیا ہے کافروں کے لیے, اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ کافر کوئی جہنم میں نہیں جائے گا, تو یہ تو قرآن کی نص کا کافر منکر ہو گیا, اس لیے کافر ہے. اب یہ میں اس دوست کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ امام ابو حنیفہ کے پاس مسئلہ آیا, جیسے آپ مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں نا, تو اس زمانے میں امام حنیفہ سے کسی نے پوچھا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں امام حنیفہ کے مقام پر ہوں, مقصد یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے, اس وقت بھی مسئلے تھے آج بھی مسئلے ہیں. تو اس نے کہا امام حنیفہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ اعدت للکافرین, جہنم کافروں کے لیے ہے, اور وہ بندہ فتویٰ دے رہا ہے کہ جہنم کے اندر کافر نہیں جائے گا کوئی بھی, تو یہ تو قرآن کی آیت کا انکار ہو گیا, کیا وہ کافر ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا نہیں, ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی تاویل ہو. جملہ چیک کریں, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہو سکتے ہیں اس کے پاس کوئی تاویل ہو جو تاویل باطل نہ ہو, تاویل صحیح ہو. تو انہوں نے پوچھا کیا تاویل ہو سکتی ہے اس چیز کی, اس چیز کی تاویل کیا ہو سکتی ہے؟ تو امام حنیفہ نے تاویل کر کر بتائی. اب تاویل چیک کیجئے گا, امام حنیفہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جانے لگے گا تب تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ نتیجہ ان کے کفر کا, تو تب وہ ایمان لے آئیں گے نا, ڈر رہے ہوں گے, رو رہے ہوں گے, تو حقیقت میں وہ دل سے کافر نہ رہے. یعنی کافر جب مرتا ہے اور مر کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ کافر نہ رہا, وہ کافر تھا جس وجہ سے اس کو عذاب مل رہا ہے, مگر اس وقت اس کی حالت کافر کی نہیں ہے, وہ تو ایمان لے آیا ہے, جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عین الیقین, اپنی آنکھ سے جب جہنم کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے آ کاش اللہ ہمیں واپس بھیج دے, ہم ایمان لے آتے. اس کا مطلب ہے وہ اس وقت ایمان نہ لے کے اب ایمان لے کر آ گئے. تو امام حنیفہ نے کسی کے کفر کے فتوے لگنے کو ڈیفینڈ کیا ہے کس بنیاد کے اوپر؟ کہ وہ نص قطعی کا منکر نہیں ہے, تاویل کر رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ اس طرح ہوگا. اسی طریقے سے جنت اور جہنم, میں اس پر مثالیں دیتا چلا جاؤں کہ جہاں تاویل کی غلطی لگی ہے, دیتا چلا جاؤں ٹھیک ہے. تو مسئلہ صرف اس طریقے سے سمجھیں, یقیناً نص قطعی کا منکر کافر ہے, مگر وہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہونی چاہیے, اور جب آپ نے کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا ہے آپ نے اس نص کو جس کا وہ انکار کر رہا ہے یا کسی نواقض اسلام کا ارتکاب کر رہا ہے یا ایمانیات یا اسلامیات میں سے کسی کا انکار کر رہا ہے, تو آپ نے اس پر قطعی دلالہ اور قطعی ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا ہے, تب اس کو ہم کافر کہیں گے. منہ چوکا کے نہیں کہ چل بھائی تو بھی, کہ شیخ صاحب تسی بھی کافر ہو, جو نہ مانے وہ بھی کافر, اس طرح نہیں معاملات ہوتے. خالہ جی دا باڑا ہے, یہ مولویوں کا بس چلے, یہ جنت کے اندر گھس کے اندر سے کنڈی لگا لیں, ادھر بھی ٹکٹ لگا لیں, دس دس روپے. وہ ایک بندہ تھا نا, اس نے مولوی صاحب کا, مولوی صاحب جی تسی جنت چ جانا ہے نا تو میں فرنٹ سیٹ تے بہ کے جانا جی, کیونکہ جو تسی کر رہے ہو بھائی تہاڈے تے حال ہی خراب نے. بہرحال خیر, مولوی صاحب کی بات نہیں ہے, لائٹر نوٹ پہ ذرا تھوڑا سا چیئر اپ کرنے کے لیے میں نے بات کر دی.
ले नाजरीन, 2 घंटे हो चुके हैं हमारे साथ मुबशर भाई ये कॉलर दोबारा मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुबशर भाई ये कॉलर दोबारा मौजूद, क्या करें। अच्छा यार मैं ये देखिए कोई बात नहीं, मासूम भाई हैं आप, जो दोस्त अहबाब हैं वो जो इस तरीके से जिनकी इको होती है वो पहले चेक किया करें, हेडफोन्स लगाएं, हेडफोन्स रीप्लग किया करें, दूसरी जगह पर किसी जगह पर प्रोग्राम सुन रहे हैं उसको म्यूट कर दिया करें। डेली आप लोग सुनते हैं तो मुबशर भाई आप अगर मुझे सुन रहे हैं, आपको मैं स्क्रीन पर लूंगा, मैं खामोश हो जाऊंगा और मैं थोड़ी देर बाद लूंगा क्योंकि आवाज़ थोड़ी लेट आ रही है, तो जैसे आप स्क्रीन पर आए आपने अपनी बात शुरू कर देनी है, जैसे आपकी बात खत्म होगी प्यारे दोस्त मेरे जिगरी मैं आपको नीचे उतार दूंगा ताकि इको ना हो दोबारा, ठीक हो गया प्यारे भाई। ओके सर हिला दीजिए मुझे पता चले। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके मैं थोड़ी देर बाद लेता हूँ। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई आपको और एक के सब, आप लोग जो काम कर रहे हैं जिहाद से कम काम नहीं कर रहे, और जो कौम की सलाह कर रहे हैं मेरे नज़दीक उस जैसा काम आज के दौर में कोई भी नहीं कर रहा। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक भी है एक मौलाना फैमिली से है, मतलब जदी पश्ती जिसे मौलाना कहते हैं, लेकिन ये जो खराबियां अभी आप जिन बातों पे बात कर रहे थे ना, ये मेरे ख्याल में से आटे में से नमक में जो कहते हैं ना लोग, ये इस चीज के ऊपर मतलब इन चीजों के ऊपर इस तरह बोदर करते हैं, बोदर ही नहीं करते मतलब कि सोचते ही नहीं ही है कि हमारा ईमान किस चीज से जा रहा है, अगले के ऊपर फतवा देते हैं कि ये फलां कौन फलां कौन फलां कौन ये कौन वो कौन, मेरा किदा तो ये है, मेरा मैं तो चला जाऊंगा जन्नत में क्योंकि मैं ये मानता हूँ, वो जाएगा जहन्नुम में क्योंकि वो ये नहीं मानता या ये मानता है। आपसे एक सीखा ये करना था कि टाइमिंग आपकी पाकिस्तान के लिहाज से बहुत लेट है, बहुत जागना पड़ता है, मुझे वैसे बहुत डांट खानी पड़ती है, और बस आपसे बात करके कंफ्यूज इसलिए हो जाऊं कि आइडियल लोग हैं आप मेरे, और अल्लाह आपकी बहुत बड़ी जजा देगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया मुबशर भाई, मैंने आपका माइक म्यूट कर दिया, मैं शेख साहब को कहूंगा कि आपसे मुखातिब हो गए इंशाल्लाह। मुबशर भाई बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप मैं मदद खा हूँ, ये एक प्रोग्राम जो हमारा संडे का होता है वो पाकिस्तान के टाइम 10 बजे के नॉर्मली हुआ करेगा, ये शो जो है वो हमने आगे शिफ्ट कर लिया हुआ है, मुझे पता है जो लाइव कॉल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और आप दोस्तों का बीच में शामिल होना उस वक्त तक जागना ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये अल्लाह के लिए ही आप लोग करते हो, हम लोगों के लिए तो ना की करनी चाहिए ना कर सकता कोई बंदा। अब ये बात है कि वो जो प्रोग्राम हमने आगे शिफ्ट किया है उसकी वजह ये है कि जब हमने एनालिटिक्स में चेक किया ना चैनल को, ये फारूक भाई उसकी टेक्निकल चीज़ें सारी आपको बता सकते थे मगर उनकी अदम मौजूदगी में मैं आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी जो मेरे इल्म में है वो रख देता हूँ, तो जो यूट्यूब चैनल होता है उसके एनालिटिक्स होते हैं, एनालिटिक्स में पता चलता है कि आपको कहाँ लोग ज़्यादा सुन रहे हैं, यानी मुख्तलिफ मुल्कों की तादाद होती है ना, पाकिस्तान में कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ इंडिया में सुन रहे हैं, कुछ वेस्ट में हैं, कुछ मिडिल ईस्ट में है, तो जब उनको चेक किया तो उसकी एक बड़ी तादाद यूरोप की साइड पे, ठीक ठाक बड़ी तादाद जर्मनी में, यूके में, अच्छा इसी इटली में, कैनेडा में, ऑस्ट्रेलिया, इन एरियाज में है, इन एरियाज के लिए वो टाइम जो है, एक मिनट, अच्छा ठीक हो गया, नहीं मैंने सोचा, तो ये अपना मुबशर भाई ये काफी मुश्किल हो जाता था हमारे लिए फिर कि हम उस आवाम को जो कि उन मुल्कों के अंदर सुन रही है उनके लिए टाइम सूटेबल बनाए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम आगे किया। हकीकत ये है कि मैं इस वक्त 2 चाय के मग्गे पीकर मुबशर भाई खुद बैठा हूं और मैंने सुबह जॉब पे भी जाना है, आप अंदाजा कर लें, मेरे पास 2 बज रहे हैं, मैं भी आपकी तरह ही हूं, यकीन करें आपकी तरह ही, और शेख साहब ने मुझे आवाज दी कि पुत्र प्रोग्राम आज बड़ा जो है ना वो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आपने उसमें शामिल होना, मैंने कहा सर अहलन हाजिर, ठीक है, तो ये हम आप एक दूसरे की मोहब्बत में इकट्ठे होते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया, इस पर जैतून एफएम की टीम आपसे माजरत खा है मगर बहुत सी चीजों को हमें लेकर चलना पड़ता है, आपको इस एहसास को समझना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा, अल्लाह आपको जाय खैर दे मुबशर भाई और अल्लाह आपको खुश रखे, आइडियलाइज किसी को भी ना करें, मैं हमेशा कहता होता हूँ ये मैं बहुत खतरे इस चीज से, शेख साहब आपकी इजाजत से कहूंगा मैं इस चीज से बहुत डरता हूँ, सीधी बात है, कोई बंदा जब
इंतहाई खतरनाक चीज है। देखो ये ऐसे ही अरबी का मकूला है, फर्रा मिनल मातारी वकामा तहतल मीज़ाब, बारिश से भागकर बचने के लिए आबशार के नीचे खड़े हो गए, जिसे उर्दू में कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। इन्हीं बुतों को तो तोड़ना है कि जो मोहम्मद मुस्तफा के बाद अपनी जो है ना वो जिल्ली और बरूजी तबूत और रसालतों की दुकानदारियां और ये होलसेल लगाकर बैठे हैं, इन्हीं को तो जड़ से उखाड़ना है, इनको आइडियलाइज करके बैठे। हो पीर साहब इतने बड़े आलम, इतनी बड़ी पगड़ी, इतने बड़े वो, भाई हो गए, मेरे नबी से बड़े नहीं हो। बात सिक्का चलेगा तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा, किसी मौलवी मलवटे, किसी मौलवी मरबी शरबी, किसी का नहीं चलेगा, सॉरी। और अगर इनको ये बुरा लगता है ना हम ऐसे कहते हैं, तो इसका मतलब है तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में अपने आप को कुछ चीज समझते हो। अगर तुम, जब मैं ये कह रहा हूं कि नबी के मुकाबले में, तो तुम्हें तो कहना चाहिए बिल्कुल ठीक है, मुझे मिसाल के तौर पर मुझे को क़यामत तुम्हारी क्या औकात है कि नबी के मुकाबले में तुम बात, तो मैं क्या कहूंगा, ओए तुमने मेरी तोहीन कर दी। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक किया, मुझे मेरी औकात में रखो, मुझे मेरी हैसियत में रखो। ये उलमा जो हैं हमारे दीन के, चाहे वो कादियानियत में है चाहे किसी भी मजहब से हैं, ये खुदाइयत का बजुबान हाल, जिस तरह आपने कहा फतवे, ये खुदाई इख्तियार का इजहार करते हैं, जुबान से नहीं कहते, इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। हमारी मानो, हमसे समझो, हमारे अलावा कोई नहीं है, हम ही सही चीज बता सकते हैं, क्यों जी वजह। तो बहरहाल ये इस चीज से समझे, तो इसलिए आइडियलाइज नहीं करना ना आमिर हक को। मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूं, बहुत ही नीच और कमीना किस्म का बंदा, ठीक है। सिर्फ ये अल्लाह के लिए हमारी एक दूसरे की मोहब्बत है जो हम एक दूसरे इकट्ठे होते हैं। तो शेख साहब हैं, मैं हूं, कोई दोस्त है और कोई आलम दीन है, मुबशर भाई इसी चीज को जब आप आइडियलाइज करते हो ना, तो फिर हम जैसे लोगों को आप गलत कार्यों में, बुराइयों में देखते हो, तो आप कहते हो ये देखो ये इस्लाम दीन है, और फिर इस्लाम से बदन होकर लोग इल्हाद करते हैं। मैं खुद इन चीजों से गुजरा हूँ, ठीक है, लेकिन इतना भी अकीदत में या इनकसारी में नहीं जाना चाहिए कि अपने आप को नीच और कमीना कहें। बहरहाल हम आजिज और बहुत ही मतलब अपने आप को निचले दर्जे पर रखने के लिए इनकसारी और आजिज़ी का इजहार कर सकते हैं, लेकिन इंसानियत के लेवल से नहीं गिरा सकते। ठीक है, तो मतलब नहीं बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, बैलेंस करवाया, जज्बात में निकल जाते हैं। हमारे पास अल्लाह की किताब है, अल्लाह के रसूल की बातें हैं, और ये जो है ना, इसे अगर हम इस्तेमाल कर लें तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अहले इलम से लाजमी बात है कि अगर किसी चीज का नहीं पता चलता, नहीं समझ आती, तो उनसे पूछो। लेकिन अगर कोई हमसे अपनी इताअत करवानी शुरू कर दे, जैसा कि आमर ने ये कहा है कि ये जितने भी बस ये जुब्बे पहने और ये वो किए हुए लोग अपनी इताअत करवाते हैं और अपने आप को अथॉरिटी बनाते हैं, ये चीज जो है ये दीन इस्लाम के बुनियादी पैगाम के खिलाफ है। सो शख्सियतों को, इन जिंदा बुतों को छोड़ के अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करना और उसकी किताब पे अमल करना आपकी जिंदगी बड़ी आसान कर देगा। खुश रहें, इसको पढ़ें, देखें, समझें, तो अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शेख साहब। इधर मैं एक बात कर देता हूँ, आपने बड़ी प्यारी तरफ तवज्जो दिलाई है। मैं इसको कहा करता हूँ अक्सर, मैं जब शेख साहब उधर भी अपने पुराने फोरम पे बैठा करते थे जहाँ आप भी थे, तो मैं कहा करता था अल्लाह ने ये कहा है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, फसअलु अहलल ज़िक्री इन कुंतुम, ये नहीं कहा फसअलु अहलल मदरसा। ये फर्क समझें, अल्लाह ने भी अल्फाज वो इस्तेमाल किए हैं जो डिजर्विंग है, जिनके पास कैपेबिलिटी है, जिनके पास वो जो है ना वो कैपेसिटी है कि वो इन चीजों को डील कर सके। तो ये इस फर्क को भी समझे, अहले मदरसा से बजाय अहले इल्म कहा गया है। अब अहले इल्म अहले मदरसा में भी कुछ लोग हो सकते हैं, अहले मदरसा से बाहर भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल। तो बार नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ आमिर भाई मौजूद हैं, मेरे हम नाम है, उनको ले लेते हैं सर। आमिर भाई आलम जी, जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल प्यारे भाई, वालेकुम सलाम जी, हुक्म जी। कैसे हैं आप सब, हरियत से हैं जी? जी सर,
जी आपको सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना था, बहुत ही अच्छा आप प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने 3-4 प्रोग्राम्स आपके देखे लाइव, तो बड़ा मज़ा आता है आपकी गुफ्तगू सुन के। कुछ और चैनल्स भी मैंने देखे थे, लेकिन उनके ऊपर जो जिस तरह से मुनाजरे वगैरह या बातें होती हैं वो कोई इतना सही मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन आप जिस तरीके से इसको चला रहे हैं और एक बात को बड़े तरीके से अंजाम तक भी पहुंचाते हैं, ये बड़ा अप्रिशिएट करता हूं मैं इसको। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल जी मेरा सवाल एक है आपसे, खास तौर पर शेख साहब से। मैं इधर नेदरलैंड से मैं बात कर रहा हूं, और मैं एमडी नहीं हूं, मुसलमान हूं मैं। और सवाल मेरा आपसे ये है कि मेरे इधर बहुत से दोस्त हैं नेदरलैंड में और दूसरे यूरोप के जो ममालिक हैं उनमें भी, बड़े अच्छे मेरे उनसे ताल्लुकात हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं और उनसे हम ताल्लुकात रखना भी चाहते हैं। हो सकता है वो मुझे अभी सुन रहे हों और बाद में मेरे से रब्ता करें। तो सवाल ये है कि हम इनके ऊपर तनकीद तो करते हैं या इनको ये भी कहते हैं कि ये अपना रास्ता जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही नहीं है, वो छोड़ के सही रास्ते पे आ जाएं, ये हम इनको बोलते हैं। तो मेरी भी इस तरह बात होती रहती है इनसे, कुछ दोस्तों से बात करके महसूस ऐसा होता है कि जैसा वो भी कुछ उकताए हुए हैं लेकिन छोड़ना वो चाहते हैं, लेकिन कुछ अंदर से कुछ डर है, कुछ होप है। जैसे एक इंसान अपनी फैमिली को, बच्चों को, घर बार को सब कुछ वो छोड़ देता है, बिल्कुल तन्हा हो जाता है, उसको घर से निकाल दिया जाता है, उनके लिए हम क्या करते हैं? क्या हमारा कोई ग्रुप है, कोई ऐसी तंजीम है जो उनकी मदद करे? क्योंकि उस जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं उसको छोड़ने के बाद उनको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, कईयों की जॉब भी जाती है, कईयों को यहाँ से यूरोप से भी निकाल दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है, वो अपनी जमात की तरफ से बहुत से मसाइल उनको सामना करना पड़ते हैं। तो उनके हेल्प के लिए हम क्या कर सकते हैं और हम कुछ कर रहे हैं या नहीं, ये मेरा सवाल था। ठीक अमर, आपका सवाल जो है ना वो काफी वजनी है और मतलब बहुत तवज्जो तलब है, लेकिन मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं कि ये चीज समझ ले, ये मुसीबत जो है ये इन फिरकों ने और इस जो एक अलहदा एमडीओ ने अपना सर्कल बनाया हुआ है ना, उन्होंने ये चीज डाली हुई है। वो कैसे कि जब कोई बुलाता है ना जी हमारी तरफ आओ, हम में शामिल हो जाओ, ये बताओ कि तुम कहाँ गए हो, किस फिरके में गए हो, हमें छोड़ के किस में शामिल हुए, ये वहां पे ये सवाल उठते हैं कि वहां कौन है हमारी देखभाल करने वाला, क्या करेंगे क्या नहीं। जिस वक्त आप अपनी आखिरत के लिए अपने लिए एक चीज को अपनाते हो, तो आप फिर ये नहीं देखते कि मैंने किसके साथ शामिल होना है, किसके साथ शामिल नहीं होना। उस वक्त आपके सामने आपकी जात होती है, आपने सारा कुछ खुद करना होता है, क्योंकि आपने किसी की में शामिल होने के लिए अपने आप को तब्दील नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हैं। जब आप अपने लिए कर रहे हो तो फिर आप कतई तौर पे इन बैसाखियों की तरफ नहीं देखते, इन चीजों की तरफ नहीं देखते। लेकिन जब आप ये कहते हो कि अच्छा मैं ये करूंगा, मुझे कौन सहारा देगा, मैं इसको कर लूं, फिर आपको उनकी खुशनुदी, आपको उनके ये सारी चीजें मकसूद होती हैं। लेकिन जिस वक्त आप इन फिरकों वगैरह में नहीं जाते तो फिर आपको अल्लाह की खुशनुदी मकसूद होती है। इस्लाम जो है, इस्लाम में आप दाखिल हुए हैं आप अपने लिए, आपने एक चीज खुद के लिए हासिल करनी है, उसमें कोई नहीं। लेकिन इंसान है, इंसान सोसाइटी के बगैर रह नहीं सकता, उसको सोसाइटी में आना पड़ता है।
मुसलमान का कल्ब जो है, दिल जो है, बहुत वसी है। तो बुनियादी तौर पे आपसे ये नहीं पूछता, मैं अब बात कर रहा हूँ दुनिया की, लेकिन जो हमारे बाज मुमालिक हैं, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान, वहां पे कोई बात होती है तो वहां पे लोग मतलब खाम खाम में किसी की जिंदगी में दखल दे देते हैं। अच्छा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे कोई किसी का मसला नहीं है, कोई किसी की जिंदगी में दखल नहीं देता कि आप जो कर रहे हैं ठीक है, बात खत्म हो गई, इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती। ये सिलसिला जो है, खास तौर पे जब हम इस चीज को समझ लेंगे कि हमने किसी शियाइज्म से निकल के, किसी कादियानियत से निकल के, किसी बरेलवी से निकल के, देवबंदी से निकल के, फलां से निकल के एक ऐसे की तरफ नहीं जाना जिसका इन सब से अलग ताल्लुक हो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जब हम ये कहेंगे अच्छा जी मैं अहमदियत छोड़ा हूं, जैसे कि आपने बात की है कि ये लोग आए तो किधर जाएं, वो लोग फिर ये देखेंगे अच्छा मैं किधर जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन स्ट्रांग है, कौन मेरी हिफाजत कर सकता है, कौन मेरी मदद कर सकता है। आप मुझसे अगर पूछते हैं, यकीन करें मैं देवबंदियों के साथ भी बैठता हूं, बरेलवियों के साथ भी बैठता हूं, शिया हज़रात के साथ भी बैठता हूं, हदीस वालों के साथ भी, जो नहीं मानते हदीस उनके साथ भी बैठता हूं, सारा कुछ करता हूं, लेकिन सारा मेरा अपना हिसाब किताब है। ये मेरा दुनियावी सोशल सेटअप है जिसमें मैं मिलता हूं। जो ईमान का मामला है उसमें ये तफरीक नहीं है। वहां पे अल्लाह ने ये नहीं पूछना कि अच्छा भाई तुम कौन से फिरके से हो, कौन सा तुम्हारा मौलवी आके लेके आ जाओ। हमने ये तकसीम खुद बनाई हुई है, जिस तरह से हम अपने नामों को अपनी पहचान के लिए बुलाते हैं, इसी तरह अपने इन ग्रोहों का भी हमने एक नाम दे लिया हुआ, ये कर लिया। अब हो ये सिलसिला रहा है कि जो बुनियादी तौर पे मतलब एक उम्मत का काम है कि वो अगर कोई दूसरी तरफ से जो कि इस्लाम के बुनियादी पैगाम के मुखालिफ है, उसकी तरफ से अगर कोई शख्स अंदर आता है तो हम उसको वेलकम करें कि हाँ दीन के हवाले से। वो अगर दुनियावी लिहाज से अगर आप ये देखते हैं कि उसके माँ बाप ने उसे आग कर दिया, उसे किसी जॉब से इस वजह से निकाल दिया गया, किसी लिहाज से भी उसकी डिस्क्रिमिनेशन हो गई, तो ये जो ज्यादती है। अब दुनिया में इंसानों ने ऐसे कवानीन बना लिए हैं और हुकूमतों ने उसको अपनाया हुआ है कि सारा कुछ उसके ऊपर हो सकता है, हर चीज मतलब उसके बारे में हो सकती है। हमें अपने तौर पे ज़हनी तौर पे ये अपने आप को मजबूत करना होगा कि मैं अगर देखूं तो ये देखूं कि कहां दीन पे अमल हो रहा है, कौन सही कुरान की तालीम पे, कुरान की बुनियादी जो हमें फ़राइज़ पूरे करने उनकी तरफ कौन लेके जा रहा है, वो ग्रो कौन सा है, बजाय इसके कि वो ये सोचे कि अच्छा मुझे सहारा कौन देगा, वो आसमान से गिरा खजूर में अटके वाली बात है, एक तरफ से निकले थे दूसरी तरफ फंसके वाली बात, उसमें ना आ जाए। लेकिन मुसलमान आपस में भाई हैं, एक दूसरे की हेल्प करना उनका इखलाकी और दीनी फरीजा है, उन्हें लाजमी करनी चाहिए। सो मेरे ख्याल के मुताबिक मैं अपने तौर पे टू बी ऑनेस्ट ना किसी की तरफ दिखता हूँ, ना किसी की तरफ मैंने देखा, ना किसी को बुलाया। अल्लाह मालिक है आपका और अल्लाह खुद ब खुद रास्ते पैदा करता चला जाता है, क्योंकि अल्लाह आप जानता है आपकी नीयतों के, आपको सूरत हाल। सो ये चीज मेरे नस्ती जी। बहुत शुक्रिया बशीर भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? कह लें हाँ जी शेख साहब, ये मुझे भी पूछते थे जब मैंने अहमदियत छोड़ा। कोई आदमी था जिसके साथ मेरी दोस्ती थी, उन्हें मैंने कहा अच्छा तू मैनू दस, मैं भी छड़ना चाहना, असी किथे जावीए, ते मैं मैनू समझ नहीं आई कि इन्हां दे दिमाग च ए गल क्यों आंदी है कि असी किसी दे कोल किसी और दे बैच में जाना, किसी और जमात में होना, मैनू ते गल दी समझ नहीं आंदी। So, मैं उन्हें कहा बस मस्जिद चला जा, तेरे घर के कोल एक मस्जिद होएगी, दो तीन होएंगे जितने मैं रहना, बहुत ज्यादा ने, जितने भी तेरी मर्जी है, मेरे एक मस्जिद नजदीक और किसी अरब फैमिली
the masjid hai unhan di aap ne ek basketball player tha from Nigeria Hakeem Olajuwon sunya hoga he played for the Houston Rockets unne Houston mein apni masjid banayi jehda bhi banda aave aake you know todi marzi namaz padho ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਜਾਂ ਖਾਨ ਆਇਓ ਜਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨੇ ਆਇਓ ਜਿਸ ਸੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਆਈ ਮੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਐਂਡ ਹਮੇ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਹੈ ਇਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੋਇਨ ਅਲ ਮਹਿਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਦੇਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਰੇ आपने अल्लाह की बात कर ली अल्लाह के हाथों अपनी जान बेच दी आप उसके रसूल और उसकी किताब को लेके चलो बात ये कोई किसी चीज की जरूरत नहीं ठीक हो गया जी नाजरीन हमारे ये लॉस्ट कॉलर थे एक दोस्त आए थे वो मगर अभी जा चुके हैं अगर वो दोबारा आना चाहते हैं आ जाए मैं उनके तक वेट कर लेता हूँ एक बात में इंडोनेशिया में मेजोरिटी शाफी सन सो डिपेंडिंग ऑन किस मुल्क रहते हो राइट इस्लाम जे गवर्नमेंट के हाथ में है वो आपको बताएगी कि हम मालिक तो वनीम की बात है मतलब ठीक हो गया जबरदस्त अच्छा मैं इस सवाले से एक बात करना चाहता हूँ जो आमिर मोहम्मद भाई ने सवाल पूछा बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था वो जो जिसका शेख साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दे दिया मैं इस पर सिर्फ एक बुनियादी दो नुकाती बात करना चाहूंगा ये जो सवाल है ना इसको दो हकूक में तकसीम होना चाहिए एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो ये है जिसका ताल्लुक उस शख्स से है यानी ये दोनों काती हुकूक होंगे एक वो लोग हैं जो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं कादियानियत से आ रहे हैं ईसाइत से आ रहे हैं यहूदियत से आ रहे हैं हिंदू मत से या एथिस्ट होकर वापस आ रहे हैं और दूसरे वो लोग हैं जिनके अंदर वो शामिल हो रहे हैं ठीक है तो ये क्या होगा उन लोगों के करने के काम जो इस्लाम में वापस आ रहे हैं और उन लोगों के करने के काम जिन्होंने उनको एक्सेप्ट करना है ठीक है ये दो नुकाती अमल होगा अब इसको किस तरीके से होना चाहिए जिस तरह शेख साहब ने कहा वो एक पहलू के ऊपर तो बड़ी जबरदस्त तरीके से उन्होंने बात की दूसरा मिस हो जाता है उसकी वजह ये है कि हमें इस्लाम में दाखिल करने के साथ साथ जो इस्लाम के अंदर लोग मौजूद हैं उनकी तरबियत करने की भी जरूरत है उनको भी जगाने की जरूरत है उनके भी हकूक और जिम्मेदारी हमने बिल्कुल इतनी बड़ी उम्मत बनाने के बाद हमने छोड़ दिया कि शुतर पे मार चलो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि एक जो इस उम्मत मुसलमा है वो एक जिस्म की मानिंद है ठीक है ना उसके पैर को दखम होता है ना तो वो पूरा जिस्म उसकी वजह से तकलीफ में रहता है सो नहीं सकता ये था वो मुसलमान होने का तसव्वुर अच्छा इकबाल इसीलिए नहीं कहता अपनी मिल्लत पर कयास अकवाम मगरिब से ना कर खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी कि अपनी मिल्लत का कयास दूसरी कौमों पर ना कर हमारा तरकीब हमारा जो इनग्रीडियंट स्ट्रक्चर है हमारे जो कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे जो मुश्तमिलात हैं वो मुख्तलिफ हैं अच्छा इसीलिए मेरा जो राय है जिस तरह शेख साहब ने रखी वो पहले के ऊपर बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो अपने जहन में ये चीज रखें कि वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना कोई पैसा है ना कोई दौलत है यानी उनके जहन में ये चीज ना होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ईमान लिल्लाहियत खलूस का नाम है अच्छा एक तो ये चीज है वो जब आए दूसरा ये चीज है कि वो ये भी चीज जहन में रखें कि जैसे दूसरे मुसलमान इस्लाम में दाखिल होने के बाद अपनी जिंदगी इसी तरीके से गुजार रहे हैं उनको भी ऐसी ही गुजारनी है ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा यही दुनिया ऐसे ही चलती है मैं अक्सर देखता हूं कि लोग पेट भर के तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं मगर जब खाली पेट होता है ना तो फिर गिले शिकवे करते होते हैं वह इन शकर तुम लाजीदन्नकुम उसी सूरत में था कि जब कमी के वक्त देखो आगे अल्लाह ने कहा लाजीदन्नकुम ये नहीं कहा कि मैं और दूंगा ये कहा मैं ज्यादा करूंगा क्या मतलब था कि जब तुम कमी के ऊपर कनात और कफायत के ऊपर शुक्र करते हो ना फिर अल्लाह उसमें बरकत देकर उसको ज्यादा करता है तो कमी के ऊपर तंगी के ऊपर सबर करना है ये है आपके करने का काम जो इधर लोग आ रहे हैं तो इधर तो भाई ना चंदा है इधर तो ना कोई इस तरह का सिस्टम है ना कोई सिस्टम है जो पैसे आपको दिए जाए इधर हमारे जो करने का काम है मुख्तसरन फिर खत्म करता हूँ मेरे पास एक मिनट बाकी रह गया हमारे लिए करने का काम ये है
कि दो, मैंने शेख साहब जो सोसाइटीज को अगर स्टडी करे बंदा तो दो बड़े मसाइल हैं जो के किसी बंदे को किसी मुआशरे में आने के लिए होते हैं। अच्छा, एक जिसको वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर लेता है, जिसको कहते हैं इज़दवाजी ताल्लुक, निकाह का सिस्टम, मैरिज कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक वो होता है। अच्छा, दूसरा होता है नान नफके का मसला, ब्रेड एंड बटर। ये दो बड़े मसले हैं कि अगर इन दो मसलों को हल कर दिया जाए, इंसान को कोई परवाह नहीं है कि वो पढ़े, यानी जाहिल को भी आप देखेंगे कि उसको खाना चाहिए और उसको बीवी चाहिए, बीवी बच्चे चाहिए, बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इलम हो ना हो, ठीक है, शऊर हो ना हो, उसको ये बेसिक चीजें चाहिए। किसी भी सोसाइटी के अंदर कम अज कम ये बेसिक दो चीजें जरूर होनी चाहिए। मुसलमानों की इस वक्त जिम्मेदारी है कि जो अहमदी हजरात या जो यानी जो दो मुस्लिम हजरात, कहता हूँ आसान लफ्जों, यानी कादियानियत से नहीं, सिर्फ दुनिया के किसी भी मजहब से, तो जितने न्यू मुस्लिम्स कम न्यू कमर्स हैं इस्लाम के अंदर, हम मुसलमानों की जो पहले मौजूद हैं, हत्तुल वसा कोशिश करें कि इन लोगों को अपने मुआशरों में एडजस्ट करें। इसकी मिसाल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से हिजरत की है तो आपने एक उसूल मुवाखात कायम किया भाईचारे का, इधर से मुहाजरीन कुछ पकड़े, उधर से अंसार पकड़े, उनके आपस में रिश्ते कायम करवा दिए, निकाह करवा दिए, बिजनेस में नौकरी में उनको शरीक कर दिया, उन्होंने खंदा पेशानी के साथ कबूल किया क्योंकि दोनों अल्लाह के लिए कर रहे थे। ये मिसाल कायम करने की जरूरत है। जब तक हम इनको खंदा पेशानी के साथ कबूल नहीं करेंगे, बड़े दिलों के साथ कबूल नहीं करेंगे, हकीकत यह है कि ये मामला इस तरीके से हल नहीं होगा। शादियां इनकी होनी चाहिए, इनको रोजगार मिलना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। चाहे आप जितना मर्जी कहते रहे उनको कबूल कराए थे, नहीं जी नहीं वो आप इसलिए ना करें, बिल्कुल हम ठीक कह रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, मगर अल्लाह ने हमसे पूछना है। वो अशफाक वासफ अली वासफ साहब कहा करते थे, वासफ अली वासफ साहब जो है रहमतुल्लाह अलैह, वो कहा करते थे कि अल्लाह कयामत के दिन तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा हमसाया शिया था, सुन्नी था, वापी था, कौन था। अल्लाह तुमसे मगर ये जरूर पूछेगा कि तुम्हारा हमसाया जो है वो गरीब था, मस्कीन था, यतीम था, भूखा था, मरीज था, बीमार था, खस्ता हाल था, अल्लाह तुमसे ये जरूर पूछेगा। तो इसलिए चीजों का ख्याल रखा करें। शेख साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं यही कि बस अब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपकी मौजूदगी का, और आप एक 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 इंकशाफी किस्म का और एक तहलका खेज किस्म का प्रोग्राम लेके अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से रखे इस्लाही और आगाही के हवाले से। बशीर साहब माशाल्लाह अहमदिया फैक्ट चेक ब्लॉग के जो ऑथर हैं वो हमारे साथ मौजूद थे आज पूरे प्रोग्राम में। फारूक भाई की अदम मौजूदगी में मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो उनकी तरफ से भी आप बहुत बहुत शुक्रिया कबूल करें। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम के लिए इत्तेफाक और इत्तेहाद करने की तौफीक अता फरमाए, और मेरी दुआ ये है बड़े खलूस के साथ कि अल्लाह अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक्कन, ऐ अल्लाह हक को उसकी अकल असल शक्ल में दिखा, पर्दे हटा दे हमारे आगे से, अल्लाह अपने फजल से हटा दे, हमारे पास ना अकल है, ना शऊर है, ना सलाहियत है मेरे मौला, अपने फजल से हटा दे, सिर्फ नेक नीयत का सहारा लेकर तेरे सामने बैठे हैं, क्या मेरे मौला इस पर्दों को हटा दे, हक नजर आए, बातों से बचने की तौफीक अता फरमा। दोस्तों इंशाल्लाह फिर एक प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होते हैं, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।